क्या अभी मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है क्या मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया कोई बात नहीं चलिए आप सबको नमस्कार आप सबका वेलकम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आज बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है जहां पर हम भारत की राजनीतिक प्रणाली में जो पार्टी सिस्टम है जो पार्टी की जो व्यवस्था रही है कैसे भारत पहले एक पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम में चेंज हुआ है ना प्रणाली से बहुदलीय प्रणाली में परिवर्तन भारत का कैसे हुआ उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि गठबंधन सरकारें आखिरकार किस तरीके से लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होती हैं और किस तरीके से लोकतंत्र के नुकसान के जिम्मेदार भी होती हैं तो उसके खामियों और उसके गुणों दोनों के ऊपर हम एक विश्लेषण करेंगे और ये चैप्टर निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस के पेपर टू में यहां से सवाल आना ही आना है ऑप्शनल की तैयारी करते हैं पीएसआईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो यहां से सवाल आपका आएगा ठीक है चलिए तो वेलकम है आप सबका स्वागत है जो नए दोस्त है मेरे बारे में नहीं जानते मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एम किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं बी किया है सी टेट है एम किया है गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं उसमें भी छः बार नेट जे क्वालिफाइड है ठीक है पी हमारी सबमिटेड है आप अगर अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कि इंडिया के सारे टॉप टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपको वहां पर स्टडी कराती हैं और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं एग्जाम निकल जाएगा इस चीज़ का यकीन मानिएगा कि अगर इन सभी टीचर्स के साथ इनके जो मेन मेन कोर एरियाज़ हैं वो अगर आपने पढ़ लिए अकेडमी के सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पर तो आपके रिजल्ट को होने से कोई नहीं रोक सकता है बहुत ईमानदारी से वहां पर आपको क्लासेस मिलती हैं बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए चले हुए कि जैसे दो साल के कोर्स लेने पर एक साल फ्री, तीन महीने का, का, साल, साल का, का सारे नोट्स आपको मिलते हैं प्री मेन्स इन दोनों के ओरिएंटेड नोट्स जो है

जब भी अन का कोर्स ज्वाइन करें इस कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा एलवाई लाइव तो फीस में डिस्काउंट मिलेगा और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एग्जाम पास होने तक पर्सनली गाइड करूंगा वन वन ऑन और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली ही गाइड करता हूं डायरेक्ट वन ऑन -on वन सीधा कॉल वीडियो कॉल उनके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से मेरी पर्सनल डिटेल्स ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम है अन ललित यादव की पाठशाला

अपडेटेड बुक्स है बहुत बेहतरीन बनाया गया है आप अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते ई एम आई में पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प अन एकेडमी पर है आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं अगर वो नहीं है तो आप अन अकेडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं उस एजुकेशन लोन में आपके अकाउंट से पैसा मंथली बेसिस पर काटा जाएगा एक बार में नहीं काटा जाएगा और कोई हिडन चार्ज कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है उसके लिए तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए अगर प्रोसीजर जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं वो डिटेल्स लेकर के मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए मैं आपको समझा दूंगा नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोन का फॉर्म आएगा उस लोन के फॉर्म को फिल कर दीजिए अपना नाम मोबाइल नंबर ई मेल और आप चाहते हैं कि आपको लोन मिल जाए सोरिटी के साथ तो मेरा नाम टीचर के कोड में नाम में ललित यादव और कोड में ये डाल दीजिएगा एल वाई एल आई वी ई बस तो आपको लोन जो है वहां से अवेलेबल हो जाएगा नहीं हो रहा हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना एलवाई लाइव रेफरल कोड आपको जरूर अप्लाई करना है सफलता का कोड है जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट जो बिल्कुल भी फीस नहीं पे कर सकते तो अन अकेडमी उन सबके लिए भी पढ़ने का अवसर देती है उनको भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप भी तैयारी कर सको और उसके लिए अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट देती है स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को होता है ग्यारह बजे आप वो ज्वाइन करेंगे उसमें अगर आप पहले तीन रैंक पर आते हो हर हफ्ते तीन स्टूडेंट्स को एक साल का कंप्लीटली फ्री कोर्स दिया जाता है की तरफ से तो अगर आप सच में ही ईमानदारी से आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फ्री में मिल जाएगा बाकी सबके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट हो जाता है सेवेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट और काफी सारे प्राइजेस भी आपको मिल जाते हैं तो अब पैसा एक समस्या नहीं है आपकी तैयारी करवाने में आपकी जज्बा आपका मेहनत आपकी मेहनत आपका जज्बा वो आपको मदद करेगा तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ग्यारह बजे हर संडे को सब्सक्राइब ये अन एकेडमी कॉम्बेट प्ले करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं इसके लिए भी आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा ये याद रखिएगा एल वाई एल आई वीई -E. रेफरल कोड में एल वाई लाइव ही आपको अप्लाई करना है जब भी कोर्स ज्वाइन करें इसी कोड के साथ अप्लाई करें तो ये कोर्स आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं नए बैच आज से स्टार्ट हो गए हैं हिंदी इंग्लिश बाई आपको सारे मिलेंगे एडमिशन के लिए आपको अन का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ग्रीन कलर में जो ये गेट सब्सक्रिप्शन है इस पर आपको टच करना है तो आपके सामने दो तरीके की स्लाइड्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी प्लस और आईकोनिक ऐसे लिखा रहेगा दोनों में सारी चीजें सेम है जो अभी अभी मैंने आपको बताया आईकोनिक में कुछ फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है जैसे अन की तरफ से आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड हो जाएगा साथ ही आंसर राइटिंग की फैसिलिटी आपको अलग से मिलती है तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मेन है वो अगर अच्छे से करते हो तो मेन्स में अच्छा स्कोर होगा मेन्स में अच्छा स्कोर करोगे तो फाइनल सिलेक्शन होगा क्योंकि मेरिट मेन्स के नंबर पर ही बनती है तो आइकोनिक में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है ये केवल जीएस जीएस की फीस है ये आइकोनिक की ये प्लस की आपको अगर डिस्काउंट चाहिए और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल मैं उसमें मदद कर सकता हूं ये कोड याद करके लगा लीजिएगा याद रखिए कोड आपकी सफलता का कोड है एल वाई एल आई वीई जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना बता देना लेने के बाद इस कोड से लिया है आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल से गाइड करेंगे रेगुलर हमेशा जब भी आपको जरूरत रहेगी आपकी डायरेक्ट मेरे साथ सीधी बातचीत सीधा एक्सेस आपको मेरा मिलेगा ठीक है और यही जरूरत है कि टीचर स्टूडेंट के साथ सीधा गाइड करे सीधा जुड़े वन ऑन वन गाइडेंस का प्रोग्राम चले ठीक है तो अगर वो चाहते हैं तो ये कोड लगा देना एलवाई लाइव और जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो पहले ट्राई जरूर कर लेना बात कर लेना बात करके लेना ताकि आपको पता रहे कि डायरेक्ट बात हो सकती है कि नहीं गाइडेंस मिलेगा कि नहीं कॉल करना है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मेरे होते हैं, वो रिप्लाई करते हैं मैं नहीं करता हूं लेकिन कॉन्टेक्ट करेंगे तब मैं उठाता हूं रिसीव रिसीव मैं करता हूं और वापस आपको कॉल बैक भी मैं ही करता हूं ठीक है तो इसलिए ये कोड याद रखिएगा एलवाई लाइव इसी को अप्लाई करना है जब भी ज्वाइन करें आपकी सफलता का कोड ऑप्शनल कोर्स भी इसी कोड से ज्वाइन करिए अलग से ज्वाइन करना चाहते केवल ऑप्शनल वो भी ले सकते हैं कभी भी कोर्स ज्वाइन करें ना तो दो साल से कम का मत करना कोई फायदेमंद नहीं है दो साल से कम का कोर्स कोर्स ही पूरा हो पाता है बड़ी मुश्किल से दो साल में आपका रिविजन हो जाता है अच्छे खासा कोर्स भी पूरा रिविजन भी ये मेरे कोर्सेज हैं जो आपको मिलेंगे तो ये कोड याद रखेगा एल वाई एल आई वीई और स्पेशल क्लासेज अन एकेडमी पर होती हैं जिसमें मैंने बहुत सारे एम सी क्यूज कंप्लीट करा दिए एक हजार एम सी क्यू वो मेरी प्रोफाइल को जाकर के सर्च कर सकते हैं अन अकेडमी के ऐप पर और वहां पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और फिर वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है सारी क्लासेस स्पेशल क्लास में फ्री में मिल जाएंगी ये कोड लगा करके एल वाई लाइव रेफरल कोड लगा करके चलिए जी तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गठबंधन की सरकार और शुरू करते हैं हाँ जी तो राहत की सांस ली आप में से काफी लोगों ने कि चलो सर अब तो क्लास स्टार्ट कर दो क्लास स्टार्ट करते हैं वो चीजें बतानी जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट होते हैं जिनको सच में बहुत जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके ही भले की बात थी और हमारी भी ड्यूटी है हम भी चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम क्लियर करें तो जरा जोश बताएं कैसा है हाउस द जोस जोश है कि नहीं हाउस द जोस जिंदा है कि नहीं कांटेक्ट कर लेना आप क्लास के बाद मेरे से ठीक है जो भी है जोश कैसा है भाई हाउस द जोस क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यही हाई जोश बनाए रखना है लाइक शेयर करते हुए आ जाने सब लोगों को लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए मेरे सारे दोस्तों के किसी के भी सब लोग लाइक शेयर करते हुए आ जाइए चलिए जब भी हम गठबंधन की बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गठबंधन से आप समझते क्या है क्या ये गठबंधन वैसा वाला गठबंधन है जो शादी के टाइम आप आमतौर पर सुनते हैं कि पति और पत्नी जिनकी विवाह हो रहा है उनका गठजोड़ किया जाता है उनका गठबंधन किया जाता है है ना एक दो कपड़ों को उनको बांध करके लाइफ टाइम के लिए एक साथ जोड़ दिया जाता है क्या ये उस तरीके का गठबंधन है कि सबका जुड़ाव एकता साथ ऐसा हो जाए कि जिंदगी भर तक साथ ना टूटे साथ साथिया है ना साथ निभाना साथिया उस तरीके वाला गठबंधन है या ये परिस्थितियों की डिमांड के अनुसार समय की मांग के अनुसार बनाया गया गठबंधन है तो इस चीज को हम समझते हैं इस चीज को समझने के लिए पहले आपको दो तीन चीजों को समझना पड़ेगा पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं इसका मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद हम हिस्ट्री पर चलेंगे ठीक है गठबंधन को जानने से पहले हम इतिहास समझेंगे फिर आपको समझ में आएगा ठीक सबसे पहले अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास को अगर देखें तो जब हम आजाद होते हैं ना आजादी जब हमें मिली कब मिली भाई आजादी उन्नीस में नाइनटीन में उस समय भारत के अंदर जितने भी हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे वो सारे के सारे एक ही पार्टी के थे क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी वो ही उसी ने ही देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया था राष्ट्रीय पार्टी थी बाकी कुछ छुटपुट छुटपुट से बहुत छोटे मोटे दल थे उनका कोई अस्तित्व था नहीं पता भी नहीं चलता था तो जितने भी लीडर थे बड़े बड़े लीडर सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे तो ऐसे में यह स्वाभाविक था कि जब भारत में आजादी के बाद इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी ऐसी पार्टी जीतेगी जिसने आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया तो आजादी के बाद उन्नीस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत में पहला जो इलेक्शन हुआ या इसको हम बोल सकते हैं पहली लोकसभा पहली लोकसभा जिसका गठन हुआ वो उन्नीस में हुआ 1952. और इस समय कांग्रेस की सरकार बनी कांग्रेस की सरकार एक तरफा बहुमत था फुल मेजोरिटी मिली क्योंकि कांग्रेस में सारे प्रमुख प्रमुख लीडर थे जवाहरलाल नेहरू अकेला नाम ही काफी था और भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे तत्कालीन समय में सब कांग्रेस का ही सदस्य उन्हीं का ही हिस्सा होते थे तो लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं था और लोगों के मन में प्रतिष्ठा भी बहुत थी कांग्रेस पार्टी की लगाव बहुत था जुड़ाव बहुत था देश को आजाद कराया तो वोट उन्हीं को मिलने थे दौर लंबा दौर चला उन्नीस तक 1967 तक उन्नीस से लेकर के उन्नीस तक अगर हम देखें मैं केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग करता हुआ समझाऊंगा इसको समझिएगा केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर इसको समझिएगा ठीक है केंद्र के स्तर पर उन्नीस से लेकर के उन्नीस और राज्य के स्तर पर उन्नीस से लेकर के उन्नीस तक 1967 ये टाइमलाइन ये याद कर लीजिए ध्यान रख लीजिए ये आपको इस किताब में नहीं मिलेगी और इस किताब में एक जगह पर जो टाइमलाइन दी भी गई है वो गलत दी गई है गलत तरीके से उसमें बताया गया समझिएगा कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज रहा ना केवल केंद्र के स्तर पर बल्कि राज्यों के स्तर पर भी और बहुत सारे राज्य जितने भी उस समय समय-समय पर नए राज्य जो बन रहे थे उन राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनती थी लेकिन 1960 का दशक आते-आते कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए भारत के अंदर जिसने कांग्रेस के प्रति भारत के लोगों का मोह भंग किया पूरा नहीं लेकिन थोड़ा-थोड़ा मोह भंग होने लगा थोड़ा-थोड़ा कुछ लोगों का जैसे 1962 के युद्ध में हमारी हार उन्नीस का भारत पाकिस्तान का युद्ध और उस समय जो भयंकर पड़ने वाला अकाल समस्याएं जो उस समय उत्पन्न होने लगी तो उससे राज्यों के स्तर पर आप देखोगे तो कई छोटे मोटे दल उभर करके आने लगे लोकल लेवल पर अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले दल उभर करके आने लगे वही दल खास करके दक्षिण भारत के अंदर जिन्होंने आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी आपको याद होगा मैंने पहले पढ़ाया है अगर आपने नहीं पढ़ा तो पुरानी क्लासेस देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ फजल अली आयोग बनाया गया उसकी रिकमेंडेशंस पर सातवां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस बनाया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाने लगा जिन जिन राज्यों में भाषा के जिन जिन क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ वहां पर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी लैंग्वेज के बेस पर भाषा के आधार पर अपने एक कदम धीरे 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 जमाने लगी 1960 के दशक में दक्षिण भारत में कई सारे क्षेत्रों में स्थानीय दल उभर करके आने लगे तब तक उन्नीस तक पूरे भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर कांग्रेस का एक तरफा राज था सीधा दबदबा था कोई टक्कर देने वाला नहीं था आसपास के भी नहीं था कोई टक्कर देने वाला लेकिन उन्नीस में भारत में एक अभूतपूर्व घटना होती है उन्नीस के विधानसभा के चुनावों में दक्षिण भारत के अंदर कई सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं गठबंधन के आधार पर कोलिशन वहां पर होता है और गठबंधन करके वो लोग सरकारें बना लेती हैं अब कांग्रेस की उन्नीस में जो ये हार हुई राज्यों के स्तर पर कई कुछ राज्यों में तो उसके बाद से ये स्पष्ट होने लग गया था कि अब केंद्र के स्तर पर भी जल्दी ही बदलाव होगा लेकिन इंदिरा गांधी उनकी लीडरशिप में कांग्रेस जो है केंद्र के स्तर पर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आ गई अब जब वो पूर्ण बहुमत के साथ आए तो थोड़ा सा प्रवृत्ति ऐसी थी आयरन लेडी थी तो अपनी शक्ति को पावर को बढ़ाने की सत्त, वो थी अपनी सत्ता जाने नहीं देना चाहते थे उनको लगता था कि वो देश के लिए ही काम करते हैं तो लोग उन्हीं को ही चुने इसीलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1975 के अंदर उन्होंने क्या किया अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए बेसिकली कहा जाए तो कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्होंने उन्नीस में भारत में लगा दिया आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक आधार पर जबरदस्ती का थोपा गया आपातकाल जिसके लिए ना तो अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने किसी से पूछा ना ही किसी से सलाह मशवरा किया उनके मन में आया एकदम से राष्ट्रपति को फोन किया फोन घुमाते बोला कि भैया लगा दो आपको मैं रिकमेंड करती हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए और तत्कालीन राष्ट्रपति बेचारे इतने मजबूत नहीं थे कि वो इंदिरा गांधी के के कद सामने टिक पाते और उनकी बात की अवहेलना कर पाते पता उनको भी था कि इंदिरा ने किसी से नहीं पूछा इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की इनका खुद का डिसीजन है उसके बावजूद राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी और इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल के भी लोग थे उनको भी सुबह पता चला जब वो नींद से उठे तब उनको जाकर के पता चला कि अच्छा राष्ट्रीय आपात का लग गया देश के अंदर ओहो आंतरिक आधार पर लग गया तो उस समय इंदिरा गांधी ने कई सारे कार्य जो हैं, वो पूर्ण है वो बहुत ज्यादतीपूर्ण किए जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर उनकी नसबंदी करा देना दूसरा जितने भी विरोधी पार्टी के जो बड़े बड़े प्रमुख नेता थे उनको पकड़ पकड़ करके जेल में बंद कर देना ठूस देना 1975 से 77 के बीच का समय ऐसा था कि जेलों में जगह नहीं थी भारत के अंदर जेलें भरी हुई थी और किनसे जो भी इंदिरा गांधी का विरोध करता उनकी बात नहीं मानता उनको खतरा लगता पकड़ करके सीधा जेल में तो जब इस तरीके की तानाशाही प्रवृत्ति हुई तो स्वाभाविक सा था कि भारत के लोग जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं लोकतंत्र को पसंद करते हैं अब वो वोट तो देंगे नहीं लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि यार ठीक है आपातकाल चल गया काफी लंबे समय तक अब विरोध भी शांत हो गया इंदिरा गांधी का जो विरोध था अब इलेक्शन करवा लेने चाहिए 1977 के अंदर इलेक्शन होते हैं 1977 के अंदर भारत में और उन इलेक्शन का एक बहुत अभूतपूर्व परिणाम निकलता है ऐतिहासिक घटना हम इसको बोल सकते हैं भारत के राजनीतिक इतिहास की आजादी के बाद कि पहली बार केंद्र के स्तर पर कांग्रेस की सरकार को बहुमत नहीं मिला कांग्रेस कौंग्रे, कांग्रेस की पार्टी को बहुमत नहीं मिला सॉरी सरकार बोला मैंने कांग्रेस की पार्टी को बहुमत नहीं मिला और 1977 में पहली बार एक गैर कांग्रेसी पार्टी गैर कांग्रेसी गठबंधन कई सारे दलों ने मिलकर के आमतौर पर कहा जाता है कि जनता पार्टी की सरकार लेकिन कई सारे छुटमुट छुटमुट दल उसमें मिले हुए थे जुड़े हुए थे आपस में तो पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है मुरारजी देसाई की अध्यक्षता के अंदर और वहां पर उसको हम बोल सकते हैं कि भारत में पहली बार गठबंधन की झलक हमें देखने को मिलती है क्योंकि मुरारजी देसाई की सरकार इसीलिए गिरती है बहुत दो साल साल के भी भीतर भीतर में क्योंकि उसके जो घटक दल थे साथ वाले लोग थे वो साथ छोड़ करके चले गए जो गठबंधन हुआ ना साथ निभाना साथिया तो वो साथ निभा वाले साथियों वाले साथ छोड़ करके गए तो सरकार गिर गई है ना चौधरी चरण सिंह कुछ समय तक अल्पमत वाले प्रधानमंत्री रहे उनका भी सपना साकार हुआ और उसके बाद एक बार फिर से 1980 के अंदर इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है और 1980 से उन्नीस तक का जो 9 से 10 साल का पीर, पीर, टाइम पीरियड रहा इसमें एक बार फिर से भारत में एक दलीय बहुमत रहा एक दलीय प्रणाली जो है भारत के अंदर रही राजीव गांधी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को इतने ज्यादा वोट मिलते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक लोकसभा के लिए इतनी सीटें किसी पार्टी ने नहीं जीती इवन जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी नहीं मिली थी इतनी सीटें तो क्योंकि सांत्वना का माहौल था इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण वो सांत्वना राजीव गांधी को मिली तो उन्नीस तक का जो दौर था उस दौर तक भारत को हम बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि वो सिंगल पार्टी सिस्टम था एक दलीय प्रणाली थी केवल एक अपवाद छोड़ दे 1977 से सतर से टू 79 ये एक अपवाद छोड़ देना बस बाकी सारे समय कांग्रेस का ही राज रहा इसी को ही कांग्रेस कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है प्रणाली कहा जाता है वो सारे लेखक इसके बारे में आपको बातचीत करते हुए मिलेंगे कि भारत में कैसे कांग्रेस सिस्टम आया और किस तरीके से वो मजबूत बना लेकिन मुद्दा यह है कि जो हम आज की चैप्टर में पढ़ने वाले गठबंधन सरकार इन गठबंधन सरकारों का दौर जो प्रारंभ हुआ अपना टाइम आएगा ये डायलॉग सुनते ना गाना सुनते हैं तो यहां पर नए ने, नए ने नेतृत्व नए ने लोग नए पार्टी नए जो क्षेत्रीय संगठन उभर रहे थे उनका समय अब शुरू हुआ अपना टाइम आएगा उनका टाइम आया 1989 के अंदर उनका टाइम आया और इसके पीछे भी कई सारी चीजें काम कर रही थी जैसे राजीव गांधी की सरकार थी तो उसके ऊपर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे जनता नाखुश थी और राज्यों के स्तर पर बहुत सारे राज्यों के स्तर पर वहां पर भारत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला छोटे छोटे दल उभर करके आने लगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल उभर करके आने लगे और वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे जेपी आंदोलन जब हुआ था उसी के बाद से ही वो अपने अपने राज्यों के अंदर अपना पैठ अपनी पकड़ बना रहे थे और वो पकड़ धीरे 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 करते करते उन्नीस आते आते इतनी मजबूत हो गई कि राज्यों के स्तर पर जब इलेक्शन होता तो कांग्रेस को वोट पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता क्षेत्रीय दलों को लोग ज्यादा वोट देने लगते और 1990 का दशक जब भारत में हुआ तो केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों स्तर की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त कांग्रेस का सफाया हो जाता उसको सबसे बड़ी पार्टी तो बनती लेकिन बहुमत नहीं मिलता बाकी सारे दूसरे दल आपस में मिलकर के सरकार बना ले जाते हैं और ये 1990 का दशक भारत के अंदर परिवर्तन का दशक कहा जाता है भारत की राजनीतिक प्रणाली में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं वो 1990 के दशक से देखते हैं 1990 से और इसी को ही गठबंधन का दौर कहा जाता है अब ये गठबंधन है क्या और क्यों कहा जाता है इसको समझ लेते हैं अभी मैंने आपको एक बेसिक सा बैकग्राउंड बना करके बता दिया कि भारत में किस तरीके से एक दलीय प्रणाली से हम बहुदलीय प्रणाली के अंदर परिवर्तित हुए अब बुक का देख लेते हैं क्या लिखा है लैटिन भाषा के कोलिशन से ये वर्ड लिया गया है जिसका मतलब है साथ चलना अथवा साथ बढ़ना और विकसित होना अब ये वर्ड सही तरीके से अगर देखो ना तो इसका मतलब तो ठीक है ये अच्छा है साथ चलना हम साथ साथ हैं इस तरीके से एक साथ आगे सबको साथ लेकर के चलना सबका साथ सबका विकास लेकिन जब इसी शब्द को हम राजनीति के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह वर्ड जो है अवसरवादिता का प्रतीत होता दिखाई देता है ठीक है अवसरवादिता अपॉर्चुनिस्ट यानी कि सत्ता में भागीदारी करने के लिए कुछ भी कर जाने का दुस्साहस वाले लोग ठीक है उसको यह सिंबोलाइज करता है सर, इसको समझते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ना राजनीति के रूप में अगर देखें गठबंधन का अर्थ होता है दूरस्थ राजनीतिक दलों का आपस में एकजुट होकर के एक, हो एक गठबंधन बनाना गठबंधन की राजनीति या सरकार को हम निम्नांकित रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडा के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं तब इस व्यवस्था को हम गठबंधन राजनीति अथवा गठबंधन सरकार के रूप में वर्णित कर सकते हैं सिंपल सा तरीका है ये चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चित्र देखिए आपको एक अच्छे से एक आइडिया मिलेगा कि देखिए क्या होता है जब मान लेते हैं कि ये कड़िया है ठीक है अगर इन कड़ियों को आप अलग अलग कर देते तो एक चेन नहीं बन पाती ये बिखरी रहती इनका कोई अस्तित्व नहीं होता इनका कोई वैल्यू नहीं होता कोई मूल्य नहीं होता लेकिन इन कड़ियों को आपस में जोड़ जोड़ करके आप देखोगे कि एक चेन बना दी गई मजबूत हो गई अस्तित्व दिखने लगा पता चलने लगा कि हाँ भाई चेन है ऐसे ही भारत की राजनीति में भी होने लगा 1990 का दशक जब आया तो भारत की राजनीति में बहुत सारे छोटे छोटे दल उ करके आने लगे अब सारे राजनीतिक दल आते हैं तो किस लिए बनते हैं कोई इसलिए थोड़ी बनता है कि जब भी इलेक्शन वो हार करके बैठ जाए पावर में आए ही नहीं सत्ता का यूज कोई और करे हर राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य तो यही है कि वो सत्ता में आए पावर में आए सारी की सारी पावर मिले अब क्योंकि वो नए नए उभर रहे थे और क्षेत्रीय स्तर के दल थे राज्यों के स्तर पर उभर रहे थे तो इतना दम भी नहीं था इतने पावरफुल भी नहीं थे कि अपने दम पर सरकारें बना ले। लेकिन उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में अपने एरिया में अपने राज्य में बड़ी मजबूत हो गई थी जैसे आपने फिल्म देखी होगी ठाकरे फिल्म देखी होगी एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी बेहतरीन फिल्म है उसको देखना तो उसमें आपने देखा कि कैसे शिवसेना का उदय हुआ एक क्षेत्रीय दल के रूप में धीरे धीरे महाराष्ट्र में और वो सत्ता में काबिज हुई कितना बड़ा उसका इंपैक्ट रहा ऐसे ही भारत के अंदर और भी कई सारे क्षेत्रों में कई दलों का उदय हुआ जैसे लालू प्रसाद का उभार हुआ मुलायम का उभार हुआ मायावती का उभार हुआ ममता बनर्जी का उभार हुआ जयललिता वो और बहुत तेज गति से उभर करके आई रीजनल पार्टीज बहुत तेज गति से उभर करके आने लगी और इन सारी रीजनल पार्टीज को यह समझ में आया क्षेत्रीय दलों को कि यार अकेले दम पर हम कुछ नहीं है अपने आप अगर हम अपने दम पर चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन संगठन में शक्ति है तो क्यों ना हम सारे जो छोटे छोटे द, गट, दल हैं वो आपस में मिल जाएं एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के सरकार बना ले जैसे कि आप अभी संयुक्त मोर्चा सरकार की आपने नाम सुनते होंगे संयुक्त मोर्चा अभी आपने अभी जस्ट कुछ समय पहले इलेक्शन जब हुए तो ये चित्र देख करके आपको ये समझ में आएगा कि अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और ये सब लोग एक मित्रतापूर्ण समझौता एक तरीके से गठबंधन यहां पर वो लोग कर रहे हैं तो आपस में एक समझौता करते आपस में मिलकर के सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ कि ठीक है भाई इलेक्शन में हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने में हम सब मिलकर के करते आपस में सीटें मिल बांट करके सत्ता चलाएंगे गठबंधन का मतलब यह है सिंपल सा है ठीक है गठबंधन की स्थिति आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं में तब बनती है जब एक दल सदन में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तब दो या अधिक दल आपस में मिलकर बहुमत बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम तय करके सरकार बनाने की पहल करते हैं ठीक है यह दल अपनी अपनी नीतियों में बड़े फेरबदल या उनसे समझौता किए बिना ऐसे मुद्दों पर एकजुट होते हैं जिन पर साथ मिलकर के काम किया जा सकता है सह गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इंगित करता है जिसके अंतर्गत अलग अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं इस चीज को समझिएगा गठबंधन का दौर जो 1990 से प्रारंभ हुआ वो आज तक चला रहा है आज भी वर्तमान में भी जो सरकार है पार्टी है वो गठबंधन की ही पार्टी है आपको लगेगा आपको आश्चर्य होगा ये सोच कर सर ऐसा कैसे बोल रहे की पार्टी है पार्टी के पास तो पूर्ण बहुमत है पूर्ण बहुमत है लेकिन इलेक्शन से पहले उन्होंने गठबंधन किया हुआ था अभी भी कई सारी पार्टियां उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है वो तो उनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो इसलिए वो अपनी मन मर्जी से कोई भी काम कर सकती हैं लेकिन अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उन गठबंधन घटक दल जो थे उन सबका भी उनके साथ योगदान बहुत ज्यादा रहता अब ऐसे में क्या होता है जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम दो तरीके के गठबंधन भारत में देखने को मिलते हैं ठीक है एक ही तरीके की प्रवृत्ति नहीं है गठबंधन की दो तरीके के गठबंधन होते हैं एक चुनाव पूर्व और एक चुनाव के बाद बुक के अंदर कुछ चीजें हैं इसको आप स्किप कर लेना है इसको ध्यान रखिए ये चीजें हैं इनको स्किप कर देना ये आपके काम का नहीं है ठीक है उतना तो आपने देख ही लिया ये आप स्किप कर दीजिए गठबंधन सरकार की जो विशेषताएं हैं ये आपकी काम की नहीं है क्योंकि इसको हम गुण और दोष में ऑलरेडी पढ़ेंगे जो भी गुण और दोष आते हैं उसमें पढ़ेंगे तो इनको आप स्किप कर दीजिए अगर आपने बुक ले रखी है साथ में तो इसको स्किप कर सकते हैं इनका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना ही इसमें कुछ ज्यादा है गुण और दोष जब हम पढ़ेंगे उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं ठीक है ये होता है अब ये चीज समझिए मुख्य मुद्दा क्या आता है गठबंधन किस तरीके से होता है और भारत में गठबंधन राजनीति क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको समझिए आमतौर पर कोई भी पार्टियां गठबंधन इसलिए करती हैं ताकि सत्ता में आ सके जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो बहुत सारे दल आपस में मिलकर के सरकार बनाने का प्रयास करते हैं इसको बोलते हैं चुनाव के बाद का गठबंधन अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो हम देश में चुनाव पूर्व या चुनाव के पश्चात के गठबंधन की बात करते हैं चुनाव पूर्व का मतलब क्या है इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन होने से पहले ही कुछ पार्टियां आपस में मिल जाएं साथ में आ जाएं और साथ में आकर के बोलें कि भैया ये इलेक्शन हम साथ में लड़ेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि बीजेपी शिवसेना अकाली दल ये एक साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं पहले से ही गठबंधन होता है चुनाव से पहले से ही जैसे कांग्रेस आप देखोगे कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस एनसीपी और भी कई सारे दल इलेक्शन से पहले साथ में मिलकर के एक गुट बनाते हैं गठबंधन बनाते हैं इलेक्शन लड़ते हैं इलेक्शन से पहले चुनाव से पहले किया वाला गया गठबंधन थोड़ा सा स्थायी होता है ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये संघर्ष एक दूसरे के साथ करते हैं सीटों का बंटवारा पहले ही कर लिया जाता है कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का सदस्य खड़ा होगा इलेक्शन लड़ेगा और उसी के आधार पर इलेक्शन लड़ा जाता है तो चुनाव पूर्ण गठबंधन जो है वो थोड़ा सा स्थायी होता है वो आगे तक टिकता है चलता है जैसे होता है ना कि आपने कभी सुना होगा कि जब आप कुछ भी नहीं होते उस दौर में आपका अगर कोई साथ देता है तो उसका मतलब वो निस्वार्थ भाव से है इक्वल है आपके बराबर है आपके साथ जुड़ा हुआ है और वही आपका सच्चा हितैषी है और फिर आप भी जब कुछ बन जाते हो तो आप अपने सच्चे हितैषी को हमेशा अपने साथ रखते होता है इस तरीके से तो पूर्व गठबंधन ये उसी तरीके का गठबंधन है जिस तरीके से शादी होती है ना जब प्यार मोहब्बत हो गया लव मैरिज होगी मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं आपके पास नौकरी नहीं है आप अमीर नहीं है आप गरीब हैं स्ट्रगल कर रहे हैं परेशान हैं बहुत सारे समय बहुत सारी समस्याओं में घिरे हुए हैं उस समय आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी मदद करता है समय समय पर आपका सहारा बनता है मोटिवेशन देता है और जब तुम बड़े बन जाते हो अमीर बन जाते हो कामयाब हो जाते हो तो तुम अपने पार्टनर को फिर आगे सपोर्ट करते हो लेकर के चलते हो उसका जो डेडिकेशन था उसको साथ देते हो जैसे शाहरुख खान और गोरी खान अगर आप देखोगे उनका उदाहरण शाहरुख खान और गोरी उसका जो उदाहरण है ऐसे ही यहां पर भी चुनावपूर्व अगर कोई गठबंधन होता है तो वो नैतिकता नैतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं एथिकली बाध्य होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई इलेक्शन साथ में लड़े पहले से ही चीजों उनकी क्लियर रहती है तो ये गठबंधन थोड़ा सा लंबा टिकता है दूसरा गठबंधन है ना ये थोड़ा सा खतरनाक किस्म का गठबंधन है जिसको हम बोलते हैं चुनाव के पश्चात गठबंधन 1977 के अंदर जो सरकार बनी ठीक है और उन्नीस के बाद से जितनी भी सरकार बनी 1999 में तक 1999 तक इस दौर में जितने भी गठबंधन हुए मैक्सिमम गठबंधन इसी प्रकार के थे पहले सारी पार्टियां इलेक्शन में पूरी जी जान लगा करके इलेक्शन लड़ती सबको लगता कि हमारी सरकार बनेगी हमारी सरकार बनेगी हमें बहुत सारे वोट मिलेंगे लेकिन वोट नहीं मिलता किसी को भी सबके वोट बट जाते किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता अब जब बहुमत नहीं मिलता तो सरकार तो बनानी है सरकार कैसे बनाओगे सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा आपको क्रॉस करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर तो ऐसे में सारे बहुत सारे दल जो एक दूसरे से जुड़ाव रखते थे किसी ना किसी आधार पर चाहे फिर वो वैचारिक आधार पर हो या अपने हितों के आधार पर हो वो सब लोग आपस में मिलते थे जोड़ तोड़ होता था और एक गठबंधन बना करके एक बहुमत के आंकड़े को प्राप्त किया जाता था सरकार बनाई जाती थी ये वाली प्रवृत्ति थोड़ी सी खतरनाक इसलिए थी क्योंकि इस प्रकार के गठबंधन में हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती थी हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है मतलब ये थे कि जो एम हैं, हमारे जो माननीय सांसद हैं जो इलेक्शन लड़ते थे उनकी खरीद फरोख्त तो बहुत ज्यादा होती थी अब मान लीजिए कोई एक पार्टी है इलेक्शन लड़ा पूर्ण बहुमत नहीं मिला उसको लेकिन सीटें उसके पास काफी हैं, इतनी सीटें हैं कि वो कोशिश करे दाएं बाएं से हाथ पैर मारे तो उसकी सरकार बन सकती है ऐसे में उसकी कोशिश ये रहती थी कि दूसरी पार्टियों के जो विधायक जो उनके सांसद हैं उनको वो खरीद ले उनको खरीद करके अपनी पार्टी में शामिल कर ले या पूरी की पूरी किसी पार्टी को ही लालच दे दे लालच दे करके अपने पास शामिल कर ले उनको बोले कि भाई मंत्री पद चाहिए कि नहीं मिनिस्ट्री की पोस्ट चाहिए एक काम करो अपनी पूरे एमपी को लेकर के हमारी पार्टी में आ जाओ वित्त मंत्री बना देंगे तुम्हें गृह मंत्री की पोस्ट तुम्हारी और तुम्हारे पार्टी के कुछ सांसदों को हम राज्य मंत्री का भी दर्जा देंगे आ जाओ तुम हमारी में और मंत्री तो हर कोई बनना चाहता है तो वो लालच के ऊपर टिका रहता था मुख्य रूप से लालच तो हर दोनों में ही है खैर लेकिन इस वाले में अवसरवादिता देखी जाती थी कि कोई भी दल किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन बना लेता था अब इसमें समस्या क्या होती थी कि अगर मान लेते हैं कि कोई गठबंधन की पार्टी है घटक दल है उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही जो बड़ा जो दल है वो उसकी बातें मानने से इनकार कर देता है या उसकी मदद करने में या उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल सिद्ध नहीं हो पाता तो ये घटक दल जो होते थे गठबंधन वाले जो दल होते थे ये अपना समर्थन वापस ले लेते थे ये बोलते थे जाओ भाई हम नहीं रहते तुम्हारे साथ तोड़ रहे हैं गठबंधन नहीं मानते गठबंधन हो गया बहुत मोह भंग हो गया तुमसे साथ निभाओ साथिया नहीं साथ छोड़ो साथिया है ना दूसरे के साथ जोड़ो साथिया इस तरीके की चीजों में फिर वो लोग होते थे तो ये 1990 का दशक जो है ना 1990s का दशक जो था इस 1990 के दशक में आप देखोगे भारत में इतनी सरकारें बनी और इतनी सरकारें गिरी कि पूछो मत समय समय पर कोई ना कोई सरकार बनती और कुछ ही समय के बाद वो सरकार गिर जाती गिर जाती का मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान खड़ा है चलते चलते गिर गया ठोकर लगी गिरने का मतलब सरकार टूट जाती सरकार टूटने का कारण क्या कि सरकार के पास बहुमत नहीं रह पाता गठबंधन दल अलग अलग हो जाते सब बहुत भयंकर किस्म से आप देखना सौदेबाजी करते थे हमारे मैंने आ, कोई एक एक नेता जी है हमारे वो सीनियर है तो उनके साथ कभी हम इंटरव्यू कर रहे थे तो वो बता रहे थे उन्होंने हमें सारी चीजें समझाई बताई उन्होंने कि कैसे कैसे सौदेबाजी होती थी जब इलेक्शन हो जाता था इलेक्शन होने के बाद जो बड़ी पार्टियां हैं उस समय बीजेपी का उभार हो रहा था और कांग्रेस पहले से ही स्थापित एक बड़ी पार्टी थी इन्हीं दोनों की ही टक्कर चल रही होती थी ठीक है जनता पार्टी और संयुक्त मोर्चा इस तरीके की चीजें होती थी तो जैसे ही इलेक्शन होता तो इलेक्शन के बाद बाकायदा पार्टी के ऑफिस में या अलग अलग किसी एक गुप्त जगह पर पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले जिस पार्टी को और जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं छोटी मोटी पार्टियां उन सभी पार्टियों के नेताओं को भी उसमें बुलाया जाता मीटिंग में और सारे लोग एक साथ बैठते और सब लोग खुल करके वो करते बार्गेनिंग करते कि हाँ बताओ भाई देखो तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ सरकार बनाएंगे तो सामने वाला कहता क्या मिलेगा मेरे को ठीक है तो सौदेबाजी होती कि किसको मंत्री की पोस्ट मिलेगी किसको क्या पोस्ट मिलेगी किसको क्या पोस्ट नहीं मिलेगी ऐसे में गठबंधन का कोई घटक दल वो नाराज हो जाता तो उसको मनाना पड़ता बड़े बड़े हमारे जो नेता वो उनको जाकर के मनाते थे जैसे मान लीजिए कई बार जयललिता नाराज हो गई उनकी क्योंकि उनकी पार्टी तमिलनाडु में बड़ी स्ट्रांग थी और तमिलनाडु में काफी एमएलए उनके एमपी जो है सांसद उनके पास रहते थे डीएमके और एआईडीएमके ये दोनों बड़ी बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं साउथ के अंदर अगर आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर तो बड़े बड़े नेता वो जाते थे बाकायदा इनके निवास पर। और जयललिता उनको घुसने भी नहीं देती थी बाहर से बोलती थी जाओ मेरे को नहीं मिलना तुमसे और वो बाहर से खड़े होकर के बोलते थे दीदी मिल लो ना एक बार दीदी एक बात सुन लो ना दीदी दीदी आप तो नाराज हो गए दीदी आप बताओ ना आप हम इस तरीके से करें मतलब बाकायदा किसी भी घटक दल को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था और यह प्रवृत्ति भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं थी यह चीज अच्छी थी कि क्षेत्रीय दल उभरे उनकी शक्तियां उभरी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ा लेकिन भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया कोई भी सरकार स्थायी कार्य कर ही नहीं पाती थी दबाव में प्रेशर में काम करती थी तो ऐसे में यह चीज समझ में आने लगी कि यह जो चुनाव के बाद का गठबंधन है ना यह काम का नहीं है ये ज्यादा बढ़िया नहीं है बेहतर नहीं है कोई नई व्यवस्था बनाई जाए अब नई व्यवस्था कैसे बनाओगे एकदम से कोई पार्टी को पूर्ण बहुमत तो मिलेगा नहीं तो नई व्यवस्था जो प्रारंभ हुई वो हुई चुनाव पूर्व गठबंधन 1999 से इसका प्रारंभ हम कह सकते हैं 1999 से जब पहली बार एक सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी की जिसको एनडीए की सरकार बोलते हैं ठीक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार जो है वो बनती है उस समय क्या किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि उनका कद बहुत अच्छा था लोग उनकी इज्जत करते थे सम्मान करते थे एक चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे लेकिन उनकी पार्टी में इतना ज्यादा और कोई स्ट्रोंग थे नहीं कि उनको वोट मिल जाते उभर ही रही थी वो पार्टी नया नया राजनीति के फलक पर उभर करके आ रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी इन दोनों के प्रयासों से उस समय यह कोशिश की गई कि इलेक्शन से पहले ही हम समझौता कर लेते हैं जो भी लेन देन करना है सीटों का बंटवारा करना है वो चुनाव से पहले ही कर लेते हैं ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो किसी चीज को लेकर के सेम उसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन बनाया ठीक है और कांग्रेस के गठबंधन को बोला गया यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संप्रग उसको कहा जाता है इसको राजग कहा जाता है इसको संप्रग कहा जाता है ठीक है तो उन्होंने भी सेम वही चीज को फॉलो किया और 1999 में, में सरकार बनती है एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इससे पहले भी वो बन चुके होते दो बार लेकिन सरकार गिर गई थी उनकी दोनों बार इस बार बनते हैं तो इस बार उनकी सरकार थोड़ी सी स्थाई रहती है उनको बहुमत खो जाने का डर नहीं रहता है इनके गठबंधन को बहुमत मिल गया उनकी अकेली पार्टी को बहुमत नहीं मिला लेकिन इनके गठबंधन को मिला करके इसको बहुमत मिल गया और क्योंकि ये चुनाव से पहले किया गया गठबंधन था सारी चीजें पहले से डिसाइड कर रखी थी कि, कि किसको कौन सी सीट मिलेगी किसको कौन सा चीज हम देंगे किसको क्या करेंगे समझौते सब कुछ पहले ही हो चुके थे तो ये टिकी इसने अपना काम किया अपना कार्यकाल ये पूरा करती वो खुद ही इन्होंने अपनी सरकार अपने जो विधान लोकसभा है उसको समय से पहले ही भंग करवा दिया लगभग छह महीने पहले ही भंग करवा दिया छह महीने के आसपास का कुछ समय था एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन इतना ही टाइम था खुद ही भंग कराया ताकि इलेक्शन नया इस करा करके दोबारा से सत्ता में आ सके लेकिन वो सरकार गिरी नहीं घट क्यों क्योंकि चुनाव पूर्ण गठबंधन हुआ उसके बाद फिर 2004 के अंदर अगर हम बात करें तो यूपीए की गवर्नमेंट आती है यूपीए वन कांग्रेस सरकार कांग्रेस की पार्टी जो है उसमें प्रमुख बड़ी पार्टी होती है मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं फिर उसके बाद 2009 के अंदर फिर से इलेक्शन होते हैं और 2009 के इलेक्शन में भी एक और सरकार बनती है जिसको यूपीए टू बोला जाता है वो भी गठबंधन की सरकार थी पूर्ण बहुमत किसी पार्टी के पास नहीं था गठबंधन की सरकार थी तो गठबंधन का इस दौर को समझिए इन दौर को मैं समझाता हूं कि क्या क्या दौर रहा इसको हम किस तरीके से बांट सकते हैं भारत की राजनीतिक प्रणाली को अगर हम इसको बात करें उन्नीस से लेकर के अगर चरण में डिवाइड करें ना उन्नीस से उन्नीस तक के चरण को तो एक दलीय प्रणाली इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे एक दलीय प्रणाली दूसरे को अगर हम बात करते हैं तो उन्नीस से इसको हम बांट सकते हैं उन्नीस तक या उन्नीस तक और इसको हम बोल सकते हैं अस्थिर गठबंधन वाली प्रणाली बहुदलीय प्रणाली बहुदलीय बहुदलीय व्यवस्था या प्रणाली जिसमें बहुत सारे दलों का उभार हुआ लेकिन यह किस प्रकार की थी अस्थिर थी।, थी फिर उसके बाद तीसरे चरण को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम कर सकते हैं 1999 से लेकर के वर्तमान वर्तमान जिसको हम बोल सकते हैं बहुदलीय प्रणाली ही है यह भी ठीक है बहुदलीय प्रणाली ही है ठीक अस्थिर गठबंधन थे इसमें गठबंधन इसको हम गठबंधन की वो बोल सकते हैं लेकिन इसमें स्थिर सरकार स्थिर गठबंधन यानी कि ऐसा गठबंधन जो लंबे समय तक टिका और वर्तमान में अगर एक और ज्यादा अगर चौथा क्लासिफिकेशन भी आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ठीक है इसको अगर वर्तमान नहीं करना चाहते बहुत सारे लोग अगर सोचते हैं कि दो तक होना चाहिए ठीक है तो इसको बाद चौथा क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं दो चौदह से वर्तमान और उस समय एक बार फिर से हम हम बात करते हैं तो एक दलीय प्रणाली एक दलीय व्यवस्था यानी कि जिसमें गठबंधन के घटक दलों को की चलती नहीं है इस तरीके से हम हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ये चौथा वाला स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है आप आत्मा की शांति के लिए कर सकते हैं लेकिन इसको ना ही करें तो ठीक है तीन चरणों में हम हमारे पूरे पार्टी सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं 2009 में यूपीए 2 की गवर्नमेंट बनती है कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं गठबंधन की सरकार थी और कुछ पार्टियां थी जो उनको बाहर से भी समर्थन कर रहे थे वही दौर था जब सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के बहुत ज्यादा डिमांड उठी भारत में कि भाई सीबीआई का डर दिखा करके हमें गठबंधन बनाए रखने पर मजबूर किया जा रहा फिर 2014 के अंदर इलेक्शन होते हैं अब इलेक्शन से पहले दो गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन था जिसको हम यूपीए बोलते हैं और जो बीजेपी का गठबंधन था जिसको हम एनडीए बोलते हैं इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होती है और उस समय लहर चलती है मोदी लहर तो किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि पूर्ण बहुमत मिल जाएगा पार्टी को क्योंकि उन्नीस बाद ध्यान रखना जो लास्ट पूर्ण बहुमत मिला था ना वो उन्नीस के इलेक्शन में मिला था राजीव गांधी को राजीव गांधी को और जब उनकी कार्यकाल पूरा हुआ और उन्नीस से जब इलेक्शन हुए तब से लेकर के 2014 तक के इलेक्शन तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उस समय 2014 में किसी को पूर्ण बहुमत मिलेगा बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था इसलिए इलेक्शन से पहले ही गठबंधन किया गया एक बार फिर से बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर के गठबंधन हुआ एनडीए का गठबंधन एक बार फिर से जारी होता है फिर से इलेक्शन लड़ा जाता है लेकिन इस बार होता क्या है कि लहर के वजह से या कहें कि पुरानी सरकार को बदलने की प्रवृत्ति या पुरानी सरकार की समस्याओं से को दूर करने के लिए जो लोगों का आक्रोश था उसके कारण बीजेपी को पूर्ण रूप से सीटें मिल जाती हैं पूर्ण बहुमत मिल जाता है फुल मेजोरिटी और फुल मेजोरिटी मिल जाती है तो सरकार तो उसी की रहती है लेकिन यह ध्यान रखिए गठबंधन की ही सरकार कहलाती है वो वो एक दल की सरकार नहीं कहलाती क्यों क्योंकि उसका कारण यह था कि इलेक्शन से पहले कई सारे गट, दलों ने मिलकर के कई सारे दलों के साथ मिलकर के बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था वो तो अच्छी बात रही कि उसको पूर्ण बहुमत मिल गया नहीं मिलता तो गठबंधन दलों के सहयोग कर से ही तो सरकार बनती तो वो अभी भी गठबंधन की ही सरकार है बस ये है कि उसके गठबंधन दलों की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को 2019 का इलेक्शन जब होता है तो 2019 के इलेक्शन में उसको पिछली बार से भी ज्यादा बहुत बड़ा बहुमत मिल जाता है और इस बार ऐसा बहुमत है कि उसको जरूरत ही नहीं है 2014 के बहुमत में तो सीटें 19 20 थी उतनी ही सीटें थी जितना बहुमत चाहिए था उसी के ऊपर नीचे थी तो ऐसे में उसको डर लगा रहता था पार्टी को कि कहीं किसी की मृत्यु ना हो जाए कोई इस्तीफा ना दे दे त्याग पत्र ना दे दे है ना अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई तो हमारी अल्पमत में ना आ जाए तो गठबंधन को साथ लेकर घटक दलों को साथ लेकर के चले और अपने घटक दलों को जितने भी बड़े नेता थे उनको उन्होंने मंत्री परिषद में शामिल भी किया लेकिन 2019 में वो फुल मेजोरिटी इतनी मेजोरिटी आ गई कि उनको जो बहुमत चाहिए था उससे भी 15-20 सीटें फालतू ही थी इनके पास तो अब इनको गठबंधन दलों की आवश्यकता नहीं रही आवश्यकता नहीं रही लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो अपने ही दम पर उन्होंने इलेक्शन इलेक्शन से से पहले एक बार फिर से 2019 में भी हुआ था। के पर ही लड़ा गया था। ये ध्यान बस इसका स्वरूप दूसरा तो जो घटक दल थे उन घटक दलों की वैल्यू कम हो गई उनकी सौदेबाजी की शक्ति खत्म हो गई इसीलिए तो जो शिवसेना और बीजेपी के बीच की तकरार देखते हो तो वो उसी तकरार का नतीजा था क्योंकि बाद में जब पूर्ण बहुमत मिल गया तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करने लगे उनको जरूरत नहीं रही तो अपने घटक दलों का सहमति उनसे पूछना वो नहीं चाहते थे ठीक है तो ये चीजें हुई है लेकिन गठबंधन ही आज भी जब सरकार बोलते हैं तो फ इसीलिए देखना एनडीए की गवर्नमेंट बोला जाता है लेकिन ये ऐसा दौर है ऐसा गठबंधन है जो स्थिर है स्थायी है जिसे सरकार गिरने का डर नहीं है सारे घटक दल चले भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी घटक दल जाते भी नहीं क्योंकि उनको पता है कि सरकार है तो बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए इसी में फायदा है बहती गंगा में हाथ धोएंगे तो काम होता रहेगा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला तो ये सिस्टम रहा भारत के अंदर गठबंधन का इसमें आपने समझा कि पूर्व गठबंधन क्या था और चुनाव के बाद का गठबंधन क्या था ये वाला जो गठबंधन था इसको हम पूर्व गठबंधन बोलते हैं सॉरी मैं आपको यहां पर बता देता हूं उन्नीस सौ से उन्नीस का दौर था ना यह चुनाव पश्चात पश्चात गठबंधन था और 1999 से जो सरकारें बनी जो गठबंधन हुए वो चुनाव पूर्व गठबंधन हुए चुनाव पूर्व यह चुनाव पूर्व गठबंधन हुए तो भारत की राजनीति में चुनाव पूर्व गठबंधन थोड़े से अधिक स्थाई देखने को मिलते हैं यहां से आपका प्रश्न जो है वो भी मिल जाएगा इस चीज को समझिए मुख्य परीक्षा में मेंस में आपका क्वेश्चन बन जाएगा और वो क्या क्वेश्चन बनेगा उसको बड़े ध्यान से समझना इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को समाहित करना एक आवश्यक विशेषता है या एक आवश्यकता है ऐसे में गठबंधन की सरकार किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है तर्क वितर्क करें एक सवाल और भी बन सकता है आपसे निबंध में बना दिया जाएगा और उसमें बोल दिया जाएगा कि गठबंधन बनाम राजनीतिक अस्थिरता तो उसमें आपको बताना पड़ेगा गठबंधन के गुण दो सारे बताने पड़ेंगे कि फायदे क्या है नुकसान राजनीतिक अस्थिरता कैसे होती है सरकारें कैसे गिर जाती हैं 1990 के दशक का पूरा उदाहरण उठाकर के डाल देना है अभी राज्य के स्तर पर भी इसी तरीके की चीजें होती हैं राज्य के स्तर पर भी गठबंधन होता है अस्थिरता का दौर आता है वो आप डाल सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके यहां पर बन जाएंगे ये सारी चीजें आपको बहुत सारी किताबों में मिलेंगी नहीं लक्ष्मीकांत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी ये आपको थोड़ा सा हम हमारी तरफ से एनालिसिस करके बताते हैं अच्छे तरीके से ताकि आप लोग समझ सकें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकें केवल किताब के भरोसे रहोगे तो प्री भी नहीं निकलेगा लेकिन अगर क्लास देखोगे किताब के साथ साथ तो प्री और मेंस दोनों निकल जाएगा कनेक्ट करते हुए बताता हूं तो आपको गवर्नेंस वाले एरिए में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है थीके? प्री मेन्स दोनों ही आपके हो जाएंगे तो ये गठबंधन की मामला है ठीक अब इसको देखते हैं आगे इनके भारत में गठबंधन की सरकारों का जो खाका रहा है उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे हैं इसको समझिए यहां पर देखिएगा आपके सामने पहले तो ये करेक्ट कीजिए इस चीज को जो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि उन्नीस के अंदर कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई ये गलत है इसको 1977 कर लीजिए 1977 कर लीजिए 1977 कर लेना है 1977 कर लेना है बुक अपने साथ लेकर के रखिए नहीं लेकर के रखोगे तो गड़बड़ होगी बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर लक्ष्मीकांत में तो कुछ गलतियां ही नहीं है कुछ भी नहीं आता गलतियां हैं भाई 1977 कर लेना है पेज नंबर 75.2 हिंदी मीडियम की पुस्तक में 1979 लिखा हुआ है उस समय ध्यान रखना 1977 में इसकी हार हुई थी 1977 से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी 1979 में 1977 में उनकी हार होती है तो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है केंद्र के स्तर पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और गठबंधन का जो शुरुआती लक्षण है अभिलक्षण है वो हमें 1977 में जो सरकार बनती है जेपी आंदोलन के बाद उस में देखने को मिल जाती है तो पुस्तक में करेक्शन कर लेना है ये मैं हमेशा दावे के साथ बोलता हूं आपको बताता भी हूं समझाता भी हूं दिखाता भी हूं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक बहुत बेहतरीन है लेकिन इसको अपडेट करते रहने की जरूरत है क्योंकि थोड़ी पुरानी भी हो गई है दो साल से तीन साल के करीब हो गया लगभग हुए और साथ ही इसमें हिंदी मीडियम वाली पुस्तक में बहुत सारे एरर्स हैं बहुत सारी गलतियां हैं ईयर की तो खास करके कॉन्सेप्चुअल गलतियां भी हैं तो कुल मिलाकर के गलतियां और अपडेट में टोटल ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा 200 प्लस इसमें सुधार करवा चुका हूं अभी तक की अगर आप क्लास देखेंगे तो शुरू से पहले चैप्टर से लेकर के अभी तक की अगर देखेंगे तो तो इतने ज्यादा हमने या तो उसमें अपडेट करवाया है जो चीज बदल गई है वर्तमान समय में या जो कॉन्सेप्चुअल गलती थी उसको सुधारा है या जो फैक्चुअल गलतियां थी उसको हमने सुधारा है इसलिए कहते हैं कि क्लास करोगे तो ही फायदा मिलेगा केवल किताब के भरोसे रहोगे तो एग्जाम नहीं निकलता गलत कॉन्सेप्ट बनेगा और गलत कॉन्सेप्ट बनकर के गलत आंसर करके आओगे इसलिए क्लासेस जरूर देखना है मेरी सारी पुरानी क्लासेस देख लेना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको सारी पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी उनको जरूर देखना आप गलतियों को दूर कर लेंगे चलिए सारणी में देख लेते हैं कि जनता पार्टी की सरकार, बोलते ना, की सरकार बनती है उन्नीस सौ सतहत्तर में और यहीं से ही गठबंधन का प्रारंभ माना जाता है लेकिन वो उसको अपवाद स्वरूप बोल देते हैं क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं उसके एक बार फिर से एक दल का बहुमत वाली सरकार आ गई थी अब इसके सहभागी दल देखिए कई सारे सहभागी दल थे और इन्होंने ही इनसे समर्थन वापस ले लिया तो इनकी सरकार अल्पमत में आ गई तो फिर जनता पार्टी सेक्युलर के चरण सिंह वो उन्नीस से अस्सी तक प्रधानमंत्री बनते हैं फिर जी अब गठबंधन की सरकार दो से तीन महीने दो से तीन साल काम करती है तो लोगों को समझ में आ जाता है भारत के लोगों की ना यार गठबंधन है ना कामयाब नहीं है आपस में लड़ रहे हैं आपस में मर रहे हैं देश का विकास भी नहीं हो रहा परेशानी आ गई समस्या आ गई विकास नहीं हो पा रहा हमें तो ऐसा चाहिए जो पूरे देश को संभाल ले तो इंदिरा गांधी ने इस अवसर को भुनाया और उस समय बहुत भयंकर नारे लगाए गए इंदिरा लाओ देश बचाओ इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ और उसके दम पर इन गठबंधन की की सरकारों कमियों के कारण 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आती हैं उन्नीस में उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से आते हैं फिर राजीव गांधी का जब कार्यकाल समाप्त होता है तब एक और गठबंधन की सरकार बनती है उन्नीस सौ में और यहां से हम हमारे देश को राजनीतिक पटल में परिवर्तन का दौर मानते हैं और यहां से गठबंधन बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत हम बोल देते हैं कि यहां से बहुदलीय प्रणाली जो है अब पूर्ण रूप से भारत में अस्तित्व में आ गई अब इस समय आप देखोगे आप देखना ईयर देखना आपको जानकर के आश्चर्य होगा कितनी कितनी जल्दी जल्दी सरकारें बदली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने उन्नीस सौ नब्बे में जनता दल ठीक है इसकी पार्टी बनी चंद्रशेखर ये प्रधानमंत्री बने सत्तानवे अट्ठानवे में यूनाइटेड फ्रंट इंद्र कुमार गुजराल ये इसमें पूरी चीजें डिटेल से दी नहीं गई हैं इसमें अभी कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं मिस कर दिया गया है क्योंकि गठबंधन के दौर की अगर हम बात करें ना तो देवगोड़ा के बाद और भी कई सारे लोग इसमें आए थे राजनीति के अंतर्गत अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इसमें दिया नहीं गया है लेकिन अगर नाइनटीन की बात करें तो इससे पहले उन्नीस के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी आए पहले ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी जी वो यहां पर आए और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने ही थे कुछ ही दिनों तक रहे लगभग ज्यादा दिन नहीं था मेरे ख्याल से 16-17 दिन तक 16-17 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे भारत में फिर उनके बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं और उनको हम बोलते हैं एच डी ठीक है उसको हम बोलते हैं उनके बाद बनते हैं इसी दौरान देवेगोड़ा और देवेगोड़ा के बाद फिर जाकर के ये प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है इंद्र कुमार गुजराल को आई के गुजराल ठीक है तो 1990 का दशक ऐसा था कि खूब परिवर्तन हुआ भारत की राजनीति में थोड़े थोड़े समय में सरकारें बनी सरकारें गिरी प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री हटे आप लोगों के लिए भी समस्या हुई बिना बात के ही ठीक है आपने भी याद करना पड़ता है आपको भी कि भाई कब कब कौन सी सरकार बनी कौन सी लोकसभा का इलेक्शन हुआ कौन प्रधानमंत्री बने किस प्रधानमंत्री ने कितने समय तक कार्यकाल पूरा किया याद आपको भी कई बार थोड़ा सा कर लेने पड़ता है फैक्चुअल चीजों के लिए कई बार सवाल आ जाते हैं ठीक है थीके? फिर इंद्र कुमार गुजराल इनकी देखोगे यह सरकार बनी अठानवे निन्यानवे में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी जल्दी ही गिर जाती है नहीं हो पाती पूरी 1999 के अंदर ये जो है ये जो दौर है ठीक है अगर हम बात करें उन्नीस के अंदर यहां पर 1999 में पहली बार पूर्व गठबंधन जो है पूर्ण रूप से बातचीत करके चलाया जाता है और वो आगे फिर स्थाई चलता है फिर उसके बाद तो आपने देखा ही एनडीए यूपीए यूपीए टू फिर एनडीए और फिर एनडीए ये वर्तमान में इसी तरीके से चलेगा तो वर्तमान सरकार जो है उसके भी घटक दल है इस बार भी समर्थन में है सभी ऐसा नहीं कि है कि अकेले ही अभी भी अकाली शिवसेना और कई सारे हैं उससे पहले वाले में तो बहुत सारे थे लेकिन अगले इलेक्शन में मुक्ति पा ली तो गठबंधन का दौर भारत में रहा अब मुद्दा आता है कि गठबंधन सरकार के फायदे फायदे क्या है। क्या हैं हैं केवल या नुकसान है या नुकसान और फायदे दोनों ही हैं ऐसी तो चीज होती है हर जगह आप देखोगे कोई भी चीज करोगे तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं नफा और नुकसान दोनों आपको देखने को मिलता है प्लस माइनस दोनों ही मिलते हैं संपूर्ण कोई भी नहीं होता है पूर्ण कोई भी नहीं होता है ठीक है हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं पूर्ण हो जाता तो फिर मामला ही खत्म हो जाता भगवान ही बन जाते सब लोग है ना तो गठबंधन की राजनीति में भी कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं तो पहले अच्छाइयां देख लेते हैं फिर अच्छाइयां देखने के बाद बुराइयां भी देख लेंगे ठीक थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चलते हैं कि अच्छाई क्या है पॉजिटिविटी क्या है देख लेते हैं सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है सरकार के संचालन में विपरीत हितों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है सरकार विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम का कार्य करती है साथ ही शिकायतों का निवारण भी करती है ठीक है इसका मतलब क्या है कि राजनीति में उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है जिन लोगों को अभी तक सत्ता का आनंद नहीं मिला था सत्ता का सुख जो भोग नहीं पाए थे पावर में नहीं आ पाए थे और वो अभी तक मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे किनारे थे साइड लाइन थे उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो एक तो गठबंधन के कारण क्या होता है प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है बहुत सारे क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों के पार्टियों को वहां पर शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्रों के विकास के लिए वो पार्टियां कार्य करती हैं जब भी गठबंधन बनेगा ना तो ये ध्यान रखना कि गठबंधन में जो भी पार्टी होगी उस पार्टी का प्रमुख लक्ष्य यही रहता है कि अपने एरिया का डेवलपमेंट किया जाए जिस क्षेत्र से उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए वो कार्य करती है उस क्षेत्र में विकास में भूमिका निभाती है ताकि अगली बार उनको और वोट मिले लोगों को लगे कि हाँ भाई हमें भी प्रतिनिधित्व मिला तो एक तो प्रतिनिधित्व का दायरा में बढ़ता है अलग अलग विचारधाराएं एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं वाले लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर के चेक एंड बैलेंस के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो विविधताएं हैं उसके बारे में तो आप पता ही है एनसीआरटी की पुस्तक में आप पढ़ी चुके हैं कई सारी संस्कृतियां भाषाएं जातियां धर्म समूह उपस्थित हैं अब इन सबका प्रतिनिधित्व तो आपको गठबंधन की सरकार में मिल जाता है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि अपनी प्रकृति में गठबंधन सरकार अधिक प्रतिनिधि होती है और इसमें लोकप्रिय जनपद जनमत बेहतर ढंग से परिलक्षित होता है कैसे होता है इसको समझिएगा जब सिंगल पार्टी होती थी एक ही पार्टी होती थी तो उसका अपना वोटर एक वोट बैंक होता है वोट का आधार होता है तो ऐसे में होता क्या था कि केवल एक या दो बड़े मेजर समूह मुख्य समूह उन्हीं के दम पर वो पार्टियां सरकार बना लेती थी तो उन्हीं समूहों का ही वहां पर दबदबा होता था उन पार्टियों में लेकिन भारत के अंदर तो खूब सारे समूह है ना क्षेत्र भाषाएं आप तो वो लैंग्वेज के बेस पर आप देखोगे कि धर्म जाति के भेस पर कपड़ा आप ये फोटो देखोगे तो ही समझ जाओगे फोटो देखते ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप क्या है है ना यहाँ पर देखिए कैसे महिला हैं है ना अलग अलग कपड़ों में आपको महिलाएं अलग अलग ड्रेस में मिलेंगी ठीक है हमारे अलग अलग पुरुष एकदम बिल्कुल बोलो बोलो ये पेट लंबा कर गए पंडित जी ये सरदार जी चीज चिन टिन 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 करते हुए मुस्कुराते हुए है ना ये हमारे एकदम उनकी टाइप में जैसे चार्ली चैपलिन टाइप में बेसिकली डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है अब ये जब गठबंधन की सरकार बनती है तो क्षेत्रीय दल उसमें शामिल होते हैं अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बात करूं अभी की सरकार का एक नाम लेकर के मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं जैसे एनडीए की सरकार बनी तो उसके गठबंधन दल कौन है शिवसेना अकाली दल शिवसेना किसका प्रतिनिधित्व करती है मराठा ठीक है मराठी भाषी महाराष्ट्र तो मराठी भाषी लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका मिली प्रतिनिधित्व मिला अकाली दल पंजाब में सिखों का प्रतिनिधित्व करता है तो सिखों को रिप्रेजेंटेशन मिला केंद्र के स्तर पर जिनको हो सकता है कि पहले सरकार में इतनी ज्यादा भूमिका ना मिलती हो डिसीजन मेकिंग में रोल ना हो लेकिन इन विविधताओं को सबको अब मौका मिल गया सरकार में भागीदारी करने का तो इनका डेवलपमेंट भी होगा जब इनके वो आएंगे तो अधिक हम इसको प्रतिनिधिक बोलते हैं गठबंधन की सरकार जब भी होगी तो प्रतिनिधित्व हो जाएगा आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा ऑप्शनल में अगर पढ़ते हैं तो बहुदलीय क्षेत्रीय दलों के उदय ने क्षेत्रीय दलों के उभार ने भारत की राजनीतिक प्रणाली को अधिक प्रतिनिधिक बनाया है और 1990 के दशक के दौर में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कथन की पुष्टि या कथन का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताना होगा क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो कर देंगे तो अभी है हो गायब जोश है कि नहीं हाउ इज द जोश कैसे है भाई जोश यूपीएससी एक्सपीरियंट आईएस बनना है जोश डाउन होगा तो कैसे चलेगा जोश हमेशा रहना चाहिए दिल में भरा रखना चाहिए ना आग होनी चाहिए फायर होनी चाहिए दिल में कि हाँ करना है कुछ करके दिखाना है तो वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए दिल के अंदर हाई होना चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ठीक है सकारात्मक दृष्टिकोण बने रहना है बस टिके रहना है लास्ट तक टिके रहना है टिके रह जो टिका रह जाएगा अंतिम समय तक वो एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा तो टिकने की क्षमता रखना है आपको ठीक है चीजों को डिटेल से पढ़ना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सब लोग टेलीग्राम चैनल पर मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला उसको ज्वाइन कर लीजिए ठीक है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला वहां पर मेरी पर्सनल डिटेल्स है आप डायरेक्ट मेरे से बात कर पाएंगे और अगर अन अकेडमी पर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा ये वाला एलवाई लाइव एलवाई एल आई वीई इस कोड को अप्लाई करने से डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा फीस में पर्सनल <सीथ> गाइडेंस भी मिलेगी एग्जाम पास होने तक पर्सनली गाइड करेंगे ये चीज ध्यान रखना और इसी चीज की जरूरत है क्लासेस आपको सभी टीचर्स की मिल जाएंगी लेकिन पर्सनल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं जो हो सकता है कहीं और से ना मिले क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट से खुद ही बात करता हूं अगर कॉल आता है तो और खुद ही वापस भी करता हूं और खुद ही उनको गाइड करता हूं ठीक है तो इसी चीज की जरूरत है कि टीचर खुद से गाइड करे बच्चों को तो वो आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेते टाइम तो ये कर लेना ये कोड लगा लेना आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी संपर्क कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज समझते हैं एक और फायदा कि गठबंधन सरकार में अलग अलग विचारधाराओं और एजेंडा वाले दल शामिल रहते हैं लेकिन सरकारी नीतियों में गठबंधन सहयोगियों की आपसी सहमति आवश्यक है यही कारण है कि गठबंधन सरकार में सर्वसहमति आधारित राजनीति के प्रशरय मिलता है अर्थात गठबंधन सरकार में नीतिगत निर्णय सर्व सहमति से ही लिए जाते हैं एक और चीज जो आपको समझने वाली है गठबंधन राजनीति का फायदा क्या है वो समझिए जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वो सारे डिसीजन खुद लेती है अपनी मर्जी से बाकी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो नहीं है जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी अगर हम लें ठीक है इंदिरा गांधी की सरकार लें तो किसी से पूछते ही नहीं थे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए वो ऑर्डर देती थी कि ये करना है जैसे हम कहेंगे वैसा करो दूसरों को बिचारों को भागीदारी नहीं मिल पाती थी वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते थे विकास ही नहीं कर पाते थे सेम वही चीज आप देखोगे कि वर्तमान समय में अगर हम नरेंद्र मोदी की सरकार को देखें तो उसमें भी यही देखने को मिलता है आपको क्योंकि फुल मेजोरिटी है पूर्ण बहुमत है तो ऐसे में जो गठबंधन गठबंधन वाले दल हैं छोटे मोटे दल उनको पूछते ही नहीं है भाव ही नहीं देते ना ही उनको मंत्री का पद देते हैं तो ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता है लेकिन जब गठबंधन होता है जब जुड़े हुए एक दूसरे के साथ और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है तो ऐसे में एक एक छोटा से छोटा दल जो गठबंधन में शामिल है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है और कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है ना तो केवल एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता केवल एक पार्टी डिसीजन नहीं लेती बल्कि सभी पार्टियों से सहमति बनाई जाती है बातचीत की जाती है अगर किसी को किसी मुद्दे पर परेशानी है विरोध है तो उसके साथ भी सहमति बनाई जाती है उसकी समस्याओं को दूर किया जाता है उसके लिए भी काम किया जाता है तो इसका फायदा यह होता है कि पॉलिसी बहुत अच्छी बनती है जितने ज्यादा लोगों का माइंड रहेगा तो पॉलिसी बनाने में उतना ही फायदा होगा उतना ही बेहतर बनेगी उतनी ही कमियां कम रहेंगी तो पॉलिसी बनती तो अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता है गठबंधन का एक नेगेटिव पहलू है उस नेगेटिव पहलू में देखेंगे हम अभी सकारात्मक देख लेते हैं कि सकारात्मक क्या है फायदे क्या है ये देख लेते हैं तो ये होता है कि निर्णय अच्छा होता है सोच समझ करके विचार विमर्श करके किया गया निर्णय बेहतर होता है विवाद कम होता है उनके ऊपर विवाद नहीं होता बाद के अंदर जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखे ना कि सरकार के निर्णय थे तो कई सारे मुद्दों पर जैसे सी डबल ए को लेकर के किसान बिल को लेकर के खूब सारे विवाद हुए डिस्प्यूट हुए उसका एक मेन रीजन बस यही था जो वो ऐसा नहीं है कि संवैधानिक कि असंवैधानिक है संविधान के खिलाफ है वो बिल संविधान के अनुसार ही बनाए गए हैं संवैधानिक ही है ठीक है समस्या क्या हुई कि उसमें शामिल नहीं किया गया जनमत को विपक्षी पार्टियों को या घटक दलों को समर्थन में नहीं लिया गया तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए बता दिया लोकतंत्र में कि अपनी मर्जी से कोई भी काम करोगे तो कर तो लोगे बहुमत के दम पर लेकिन नाकू चने चबाने पड़ जाएंगे दिक्कत बड़ी होगी गठबंधन में इस तरीके की समस्याएं आती नहीं है सबसे बातचीत करके समझ बुझ करके कंसेंट के बेस पर काम करते हैं तो यह एक अच्छी चीज है ज्यादा बेहतर निर्णय होते हैं ज्यादा लोग मिलकर के लेते हैं गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संघीय ताने बाने को मजबूत करती है ठीक है ऐसा इसलिए कि गठबंधन सरकार एकल दल सरकार के मुकाबले क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है संघीय ताने बाने का मतलब क्या है समझिए भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है भारत की जो फेडरल सिस्टम है भारत की जो संघीय प्रणाली है सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है जिसमें तीन सूचियां होती हैं संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची अगर विदाउट गठबंधन की कोई पार्टी होती है केंद्र के स्तर पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो वो आमतौर पर उन्हीं राज्यों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है उन्हीं राज्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है जिन राज्यों में उसका वोट बैंक है जहां से उसको वोट मिले हैं और जिन राज्यों में उसको वोट नहीं मिला तो वो वहां पर उन देखना कि उन वहां की सरकारों को तंग करने की प्रवृत्ति रखती है उसको ढंग से काम नहीं करने देती है जब जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि, कि किसी भी राज्य में अगर उसकी विरोधी पार्टी की सरकार है तो कैसे उसकी सरकार को गिराया जाए कैसे उस सरकार को तोड़ा जाए कमजोर किया जाए कैसे अनुच्छेद तीन राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए इस तरीके की जोड़ तोड़ की कोशिशें रहती हैं, यह चीज होता है लेकिन अगर गठबंधन है तो गठबंधन में तो अलग अलग क्षेत्रों की पार्टियां भूमिका निभाएंगी तो ऐसे में केंद्र सरकार अपने सारे घटक दल अपने सारे गठबंधन वाले दल वो जिस जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए ठीक ठाक पैसा भी देगी भेदभाव भी नहीं करेगी जबरदस्ती से उनको तंग करने वाली जो प्रवृत्ति है वो भी नहीं करेगी ये चीज देखना भारत के अंदर ये प्रवृत्ति रही है जब जब पूर्ण बहुमत की सरकार रही है तब तब राष्ट्रपति शासन थोक के भाव में लगा है ठीक है राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 356 फिफ्टी थोक के भाव में लगाया गया जब जब एक दल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही और ये कौन सा दौर था जिसमें सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 से उन्नीस ये वो दौर था जिसमें एक सिरे से धड़ामले से दस दस नौ नौ दस दस राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता था लेकिन 1990 के दशक में जब गठबंधन का दौर प्रारंभ हुआ केंद्र कमजोर हुआ तो भारत में संघीय प्रवृत्तियां मजबूत हुई राज्य मजबूत होकर के आए अब केंद्र जो है वो समझ गया कि राज्यों की सहायता से ही सत्ता में बना रह सकते हैं बिना राज्यों की सहायता के से आप अपनी सत्ता नहीं बचाए रख सकते तो हमारी संघीय प्र, प्रवृत्ति ये मजबूत हुई यह सवाल है सीधा सीधा मेंस का सवाल बनता है गठबंधन राजनीति भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक प्रमुख तत्व है कथन की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए यह सवाल दे देंगे या सीधा सीधा सवाल एक सिंपल सा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संघीय व्यवस्था का चारित्रिक गुण गठबंधन के दौर में अधिक उभर करके सामने आता है टिप्पणी करें यह सवाल आपका मुख्य परीक्षा में बन सकता है यहां से यह सवाल जो मैं बोल रहा हूं तो देख लेना कभी ना कभी मैं भी हो सकता है कि एक साल दो साल तीन साल कभी ना कभी मुख्य परीक्षा में आपको मिल जाएंगे यहीं से ही सवाल आएंगे सीधे आ जाएंगे अगर आपने क्लास का एनालिसिस देखा तो आप आंसर भी दे पाएंगे अच्छे से क्लास का एनालिसिस नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी केवल पीडीएफ के, के भरोसे मत रहना या केवल बुक के भरोसे नहीं रहना वो बहुत सिंपल सी है उसके माध्यम से नहीं होगा एनालिसिस सबसे जरूरी है कि किस तरीके से उसको आप कनेक्ट करते हुए समझते हुए लेकर के चल सकते हैं ठीक है यह देख लेना है तो यह है अब जैसे अब वर्तमान समय में देखोगे तो वर्तमान में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो ऐसे में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती सब नाराज हैं, घटक दल भी नाराज हैं कि भाई हमारी सुनते नहीं हो ठीक है खेसारी लाल यादव उसका एक गाना है वो बात बात में याद आ जाता है कि ठीक है टीचर भी ये बोलता रहता है बार बार ठीक है ठीक है ठीक आदत होगी उसके बिना काम ही नहीं चलता उसने उसके ऊपर गानी गाना बना रखा है नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगी बिताएंगे ठीक है <laughs> तो उससे बार बार जब मैं भी बोलता हूँ तो कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं बोलने ठीक है ठीक है लेकिन आ जाता है आपसे पूछने के लिए कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं उस ठीक है का मतलब यह है कि आपको समझ में आया कि नहीं उसका मतलब यह होता है <laughs> चलिए लहजा है कई सारे ये बहुत खतरनाक खतरनाक लहजे हैं और भी कई सारे लहजे हैं जिनका फेस जिनका शिकार मैं बनता हूं कई बार जैसे कि आ, उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में बात बात पर बोलने की एक आ, आदत है समझे समझे इस तरीके से अब ऐसे ही एक घटना हुई क्योंकि फोन पर मैं ही बात करता हूं जब भी कॉल आती है तो मैं ही रिसीव करता हूं नहीं रिसीव करता तो मैं वापस कॉल बैक कर लेता हूं तो एक किसी बच्चे का फोन आया ट्वेल्थ पास किया उसने उससे बातचीत कर रहे उसको मैं समझा रहा कि क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है एनसीआर किस तरीके से पढ़ना है कौन सा पहले पढ़ना है क्या सीक्वेंस रहेगा वगैरह वगैरह फिर उसके बाद उस समझने के बाद फिर वो एडमिशन के बारे में इंक्वायरी करने लग गए कि भाई सर कि इस एडमिशन में क्या होगा तो जब वो बोलना शुरू किया बोलने लगा तो हर बात बात में मेरे को बोला कि जानकारी मेरे को मेरे को एग्जाम क्लियर करना है समझे मैं बोला हाँ हाँ समझे भाई समझे मेरे को लगा यार ये तो धमकार है एक तरीके से बोल रहे समझे फिर कोर्स लेना है कोर्स लेना है और कोर्स लेकर के मेरे को रैंक एक लेकर के आना समझे बोला हाँ भाई समझे फिर उसके बाद कई सारी चीजें करते करते वो इतनी बार समझे समझे बोल गया तो मेरे को लगा यार ये मतलब धमका रहा है मेरे को या मेरे से पूछ रहे या मेरे को बता रहे तो वो इस तरीके का तकिया कलाम और इस तरीके की चीजें होती हैं ऐसे ही ठीक है वो वाला भी है वही सारी चीजें चलती रहती हैं उसके बाद मेरे को भी डर लग गया कि यार ये क्या बोल रहा समझे है ना फिर वो फोन बकायदा मैंने उसको समझाया कि ठीक है भाई मैं समझ गया तुम पढ़ाई करो ध्यान रखो बोले नहीं सर YouTube पर क्लास देखिए तो सवाल करूंगा समझे बोला सवाल कर लो भाई समझ के तो माफ करो भाई तो मेरे को तो ऐसे ही चीजें हैं चलिए तो यहां पर क्या होता है जब गठबंधन की राजनीति होती है तो संघीय ताना बाना मजबूत हो जाता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो उभर कर के आता है संघवाद की भावना है सहयोगी संघवाद जिसको हम बोलते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो वो सहयोगी संघवाद आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा ठीक है क्लियर ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सब ठीक होगा मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना एक बार कॉल कर लेना मेरे को कॉल कर लेना मैं आपको समझा दूंगा अपना एलवाई लाइव कोड लगाना लोन से कोई दिक्कत नहीं है लोन में आपको सारे चीजें देनी होती हैं ठीक है थीके? आपको उसमें गाइडेंस लेनी है तो सब्सक्रिप्शन के टाइम उनको बोल देना कि मेरे को ललित सर का कोड लगाना है भाई एलवाई लाइव कोड लगाना है बस तो आपके कोई समस्या नहीं होगी बाकी जिम्मेदारी मेरी फिर ठीक है

करते हैं और निर्णय अधिक संतुलित होते हैं वास्तविकता है। जब बहुत सारे लोग मिलकर के कोई डिसीजन लेंगे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे तो वो निर्णय ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कई सारे दिमाग उसमें होते हैं हैं कई सारी विचारधाराएं उसके अंदर होती हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें पता चल जाती हैं और कोई भी एक पार्टी निरंकुश नहीं हो पा सकती फॉर एग्जाम्पल हम नाइन का एक बार फिर से उदाहरण लेते हैं जब आपातकाल लगा भारत में नेशनल इमरजेंसी जब भारत में लगी वो इसलिए लग पाई क्योंकि पूर्ण बहुमत था इंदिरा गांधी की सरकार के पास अगर मान लीजिए वहां पर गठबंधन की सरकार होती तो क्या इंदिरा गांधी अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे आपातकाल लागू कर सकती थी बिल्कुल नहीं कर सकती थी लागू कर देती बाकी सारे गठबंधन वापस ले लेते समर्थन बोलते कि नहीं हमारी सहमति है ही नहीं हम तो नहीं है सरकारी गिर जाती समझो इस चीज को तो निरंकुश शासन से आपको बचा लेती है जब जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो वो बहुत सख्त डिसीजन लेती है अपनी मर्जी से डिसीजन लेती है और बाकी लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसका निरंकुश होने का खतरा बनता है अच्छी चीज है ये ऐसा नहीं है कि बुरी चीज है अच्छी चीज भी है कि वो सख्त डिसीजन अच्छे डिसीजन ले सकती है जल्दी डिसीजन ले सकती है लेकिन उसका निरंकुश होने का खतरा लगातार बना रह सकता है बहुत सारी ऐसी नीतियां हो जा सकती हैं कि जिससे लोगों को फायदा ना होता हो लेकिन किसी एक पार्टी को फायदा होता हो

तो ऐसे ही गठबंधन की सरकार जो है इसमें भी आप देखोगे तो आपको कई सारे अवगुण देखने को मिलते हैं वो अवगुण देख लीजिएगा समझिए इसको समझिए गठबंधन सरकार की कमजोरियां सबसे पहली ऐसी सरकार अस्थिर होती है और अल्पजीवी होती है ठीक है नीतिगत भेद के चलते इनका पतन जो है वो हो जाता है तो इसका मतलब सिंपल सा है इसका मतलब यह है कि राजनीतिक अस्थिरता की हम बात कर रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता इसकी हम बात कर रहे हैं गठबंधन की सरकारें स्थाई नहीं है टिकती नहीं है 1990 का दशक आपको याद ही है 1990s 1990 का दशक इस पूरे दशक में आप देखोगे तो हर साल में कोई ना कोई सरकार बनी गिरी सरकार बनी गिरी इतने प्रधानमंत्री बने कि जितने प्रधानमंत्री उससे पहले नहीं बने होंगे उतने एक ही 1990 के दशक में बन गए खूब सारे तो अस्थिर है अल्पजीवी है सरकार जल्दी गिर जाती है अब आप कहोगे कि इसका नुकसान क्या है सरकार जल्दी गिरने का इसमें क्या नुकसान वाली बात क्या है तो बात समझिए जब सरकार कम समय के लिए बनती है तो वो योजनाएं कैसे लागू करेगी भारत का विकास पहले से जब चला तो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर चलता आया था और सरकार कोई भी पॉलिसी लागू बनाती है तो उसको लागू करने में समय भी लगता है ऐसा तो है नहीं कि आज ही बनाई आज ही लागू की आज ही रिजल्ट आ गया समय लगता है धीरे धीरे टाइम होता है जब गठबंधन की सरकार होगी जब सरकार का सबसे पहला उस समय उनका डर होता है जो है किसी भी पार्टी का वो ये होता है कि सरकार बचाई रखी जाए सरकार बनाई रखी जा सके सरकार को गिरने ना दिया जाए तो वो लोगों की भलाई के बजाय पहले अपने सत्ता को बचाने के लिए कार्य करती है और ऐसे में वो समझौता करती है बाकी सभी पार्टियों के साथ और ऐसे में अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो सरकार गिर जाती है और सरकार गिर जाएगी और कोई और सरकार ना बनी तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको पुनः चुनाव कराना पड़ेगा ठीक है दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा मेरे दोस्त दोबारा और दोबारा इलेक्शन का मतलब समझ रहे हो कितने अरबों करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक इलेक्शन के ऊपर भारत में जब जब इलेक्शन होता है अरबों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो पैसा कहां से आता है आप लोग हम लोग जो टैक्स देते हैं जो मिलता है उसी से आते हैं उसका कबाड़ा वो लोग करते हैं नेता लोग आपस में किस लिए कि इलेक्शन लड़ो नई सरकार बनी दोबारा से इलेक्शन लड़ो नई सरकार बनी फिर तिबारा से लड़ो और इस सारे खर्चे का बोझ उठाने वाले कौन आम नागरिक महंगाई कब बढ़ेगी आम नागरिकों के लिए बढ़ेगी जब जब इलेक्शन होता है उसके बाद देखना महंगाई इलेक्शन खत्म होने के बाद महंगाई बढ़ती है हमेशा खाना पूर्ति की जाती है ना जो पैसा खर्च हो वापस वसूला भी जाता है इसी माध्यम से होता है तो एक तो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश का विकास प्रभावित होता है योजनाएं दीर्घकालिक योजनाएं हम लागू नहीं कर सकते शोर्ट टर्म की योजनाएं है होती हैं वो भी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाती और पैसे का व्यर्थ में व्यय होता है तो ये एक बहुत बड़ा दुर्गुण है अगर हम बात करें इसका ठीक है चलिए अब अगली चीज की बात कर लेते हैं दूसरा संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का नेतृत्व मूलभूत कारक होता है गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की प्रमुखता कमजोर पड़ती है क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व उसे गठबंधन के सहयोगियों से सलाह लेनी पड़ती है और ये फैक्टर भी है आपको एक और चीज समझाता हूं इसको देखिए इधर देखते हैं। मैं ये स्लाइड को जो है इरेज करता हूं गठबंधन के युग की अगर हम बात करते ना तो एक और कॉन्सेप्ट जब समझिए पहले राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री ये एक डिबेट जो है यहां पर जुड़ जाता है गठबंधन की राजनीति के साथ जब जब पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी समझिएगा इस चीज को जब जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार रहेगी तब तक पीएम जो है यह क्या रहेगा बाहुबली रहेगा शक्तिशाली रहेगा थानोस वाली भूमिका में रहेगा इंडिया वाला शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान जब वो फ्री रहता है ना तो उसके पास पूरी पावर होती है अगर आपने पुराने टाइम में सीरियल देखा हो शक्तिमान वाला जो मुकेश खन्ना गोल गोल ऐसे से घूम घूम करके शक्तिमान बनता था हम लोग जो देखते थे तो उस टाइम प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है कोई भी उसके डिसीजन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है जैसे वर्तमान के प्रधानमंत्री ले लो नरेंद्र मोदी उनसे पहले हम बात करें तो इंदिरा गांधी राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू अपना डिसीजन खुद लेते थे राष्ट्रपति शक्तिहीन ठीक है राष्ट्रपति रबड़ की गुड़िया रबड़ की मोहर बन जाता था क्योंकि राष्ट्रपति के पास तो कोई पावर ही नहीं है लेकिन जब जब गठबंधन की सरकार होगी जब जब गठबंधन की सरकार होगी ना तो जो पीएम है ये कमजोर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है ये क्या हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा यहां पर सक्रिय मतलब अब यहां पर राष्ट्रपति को पावर निभाने का मौका मिल जाता है क्योंकि किसी भी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो राष्ट्रपति को भी पता होता है ऐसे में कि भाई गठबंधन की सरकार है मेरे को तो हटा नहीं सकेंगे क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो महाभियोग चलाना है और महाभियोग कोई आसान प्रक्रिया तो है नहीं भारत में आज तक नहीं हुई इतना विशेष बहुमत कहां से लाएंगे खुद की सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है मेरे को हटाने का बहुमत कहां से लाएंगे तो ऐसे में बहुत सारे डिसीजन राष्ट्रपति खुद लेता है जैसे कई बार कोई विधेयक आया तो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया आप ये ध्यान रख से समझना कि जितने भी विधेयक जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाता है ऐसे जितने भी केसेस आप देखते हैं ऐसे जितने भी उदाहरण आप देखते हैं वो उस दौर के उदाहरण है जब गठबंधन की सरकारें थी आज के टाइम भी गठबंधन की सरकार है लेकिन पूर्ण बहुमत है एक पार्टी के पास तो क्या आपने कभी सुना कि रामनाथ कोविंद ने संसद के बिल को वापस लौटाया कहा कि इस बिल पर पुनर्विचार किया जाए अपनी सिफारिशों के साथ लौटाया क्या भारत में आपने किसी न्यूज चैनल में इस तरीके की आवाज इस तरीके की बात सुनी आपने या न्यूज़पेपर में पढ़ा हो नहीं पढ़े हो गए हो गए ही नहीं पावरलेस है पावर है ही नहीं कर, कर ही नहीं सकते क्या करेंगे सारा सारा का बहुमत सरकार के पास है तो अपनी विवेकाधीन शक्तियां उनके पास रहेंगी नहीं यूज करने का बनेगा नहीं लेकिन जैसे ही गठबंधन की सरकार होगी राष्ट्रपति सक्रिय हो जाएंगे वो बहुत सारे मामलों में डिसीजन में अपनी भूमिका निभाने लगेंगे इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हम आ, अगर हम बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो गठबंधन की सरकार थी उस टाइम आप उस ले सकते हो अब्दुल कलाम उनका उदाहरण ले सकते हैं बड़ा ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं राष्ट्र प्रधानमंत्री आमतौर पर आर्टिकल 356 जो है अनुच्छेद 356 ध्यान से समझिएगा राष्ट्रपति शासन लागू करने का सॉरी तीन सौ राष्ट्रपति लागू कर, शासन लागू करने का जो काम है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है ठीक है मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर करता है और मंत्रिपरिषद की एडवाइस आर्टिकल सेवेंटी फोर के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पर बाध्यकारी एक बार वो पुनर्विचार के लिए जरूर भेज सकता है लेकिन उस दौर में ऐसा था कि अगर हम बात करें भारत के दो राष्ट्रपतियों के तो दोनों राष्ट्रपति इतने ज्यादा सक्रिय थे गठबंधन के दौर में कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कई बार दो तीन बार इन्होंने कोशिश की कि वो दो अलग अलग राज्यों के अंदर वहां पर भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की कोशिश करें लेकिन एक बार के आर नारायण ने और एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दोनों ने उनके इस डिसीजन को वापस कर दिया स्वीकार ही नहीं किया कहा ये, बोले कि भाई क्यों लगाएं राष्ट्रपति शासन यहां पर तो सरकार काम कर रही है सरकार के पास बहुत बहुमत भी है राज्य में अब जबरदस्ती कैसे लगा दें इतना ही ज्यादा सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई कि केंद्र सरकार के आदेश की अवहेलना कर दी अब केंद्र सरकार कुछ कर भी नहीं पाई क्यों क्योंकि उसको पता था कि वो करेगी तो क्या करेगी इम्पीचमेंट करके हटा तो सकती नहीं गठबंधन गठ की पार्टी है राष्ट्रपति समझदार हैं पढ़े लिखे हैं मजबूत व्यक्तित्व वाले हैं तो गठबंधन की राजनीति में राष्ट्रपति थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं प्रधानमंत्री की पावर जो है वो कम हो जाती है इसमें वो बाहुबली नहीं होते है ना इसमें ये ऐसे शक्तिमान बन जाते गठबंधन के दौर में जब उस शक्तिमान की शक्तियां छीन ली जाती हैं जब शक्तिमान का सीरियल आता था तो उसमें एक तमराज किलविस होते थे एक लवादा हाथ में उंगलियों में बड़े बड़े नाखून यूं यूं घुमाते रहते थे तमराज किलविस तो कई बार वो शक्तिमान की शक्तियां छीन लेते थे ना शक्तियां गायब हो जाती थी तो बिना शक्ति के बेचारा गंगाधर बंधु दांत ऐसे निकाल को ना। तो वो बिचारा ऐसे घूमता रहता था कुछ काम नहीं कर सकता था तो प्रधानमंत्री की भूमिका उस गंगाधर जैसी हो जाती है शक्तिशाली वो नहीं रह पाता है तो यह चीज समझना है तो हमेशा गठबंधन के दौर में इसका एक दुर्गुण एक अवगुण यह है कि प्रधानमंत्री की शक्ति कमजोर हो जाती है तो महत्वपूर्ण निर्णय हर निर्णय के लिए उनको बाकी सहयोगी गठबंधन दल के जो लोग हैं उनसे पूछना पड़ता है और उनसे जब पूछेंगे तो निर्णय लेने में देरी हो जाती है निर्णय डिसीजन मेकिंग जो है वो जल्दी नहीं हो पाती उसमें बहुत समय लग जाता है लंबा टाइम लगता है और जितना ज्यादा लंबा समय लोगे उतना लोगों का नुकसान है और निर्णय ले भी लिया तो उसको क्रियान्वित करने में बड़ी समस्या और हर गठबंधन दल अपना अपना फायदा उसमें देखने की कोशिश करता है कि वो लोग हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए थोड़ा फायदा हमें भी दो थोड़ा फायदा हमें भी दो थोड़ा फायदा हमें भी दो तो ये एक दिक्कत वहां पर बहुत रहती है निर्णय देरी से होते हैं योजनाओं का क्रियान्वयन देरी से होता है तो लोगों का वेलफेयर लोगों का विकास वो देरी से होगा ये एक है संचालन समिति अथवा समन्वय समिति ही गठबंधन सरकार में सुपर कैबिनेट के रूप में कार्य करती है मंत्रिमंडल की भूमिका और हैसियत में कमी आ जाती है सेम वही चीज है जो प्रधानमंत्री वाली बात हमने यहां पर करी एक दूसरी चीज और जो उसका बहुत बड़ा अवगुण है ना वो समझिए उसको बोलते गठबंधन सरकार का कोई छोटा घटक भी किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है और ज्यादा शक्ति के लिए सौदेबाजी करने लगता है और ये वास्तविकता है अवसरवादिता की राजनीति इसको हम बोलेंगे अवसरवादिता की राजनीति भारत में प्रारंभ हो जाती है अब छोटे दलों को यह पता चल जाता है कि भाई हमारे समर्थन के बिना सरकार बनी नहीं रहेगी तो फिर बाकायदा पूरी सौदेबाजी होती है एकदम तो खुल करके सौदेबाजी होती है समर्थन दे देंगे लेकिन वित्त मंत्रालय ले हमारा समर्थन दे देंगे लेकिन परिवहन मंत्रालय ले हमारा समर्थन दे देंगे गृह मंत्रालय हमारा हर पार्टी की अपनी अपनी डिमांड सब मलाईदार पोस्ट लेने की कोशिश करते हैं और जो प्रमुख बड़ी पार्टी है जो गठबंधन बनाने की कोशिश करती है उसकी कोशिश ये रहती है कि वो मुख्य पोस्ट मेन मेन जो मलाईदार पोस्ट है जैसे परिवहन मंत्रालय सबसे मोटा पैसा आता है भाई सड़क बनाना ब्रिज बनाना रेलवे ट्रैक वगैरह वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम कहां से सारा पैसा वही है तो सरकार कोशिश करती है कि ऐसे विभाग ऐसे मंत्रालय कोयला वगैरह वाले बड़ी पार्टी आप उसके पास रखें और जो जो दूसरे छोटे से दल हैं वो उनसे उसी मंत्रालय की उसी की डिमांड करते हैं कि भाई दे दो हम तुम्हें समर्थन दे देंगे मोटा पैसा वाली चीजों पर तो उसको लेकर के बड़ा तनातनी जो है यहां पर होती है अब ऐसे में समस्या यह आई कि इसको बोलते लूटखोरी लूट लेना ऐसी अवसरवादिता की राजनीति के आधार पर ऐसी सौदेबाजी के आधार पर अगर कोई सरकार बनेगी तो किसी देश के कि नागरिकों के विकास के लिए थोड़ी कार्य कर पाएगी सब ने अपना अपना बंटवारा कर लिया किसी ने कोयला ले लिया किसी ने सड़क परिवहन ले लिया किसी ने कुछ ले लिया किसी ने कुछ ले लिया अब हर पार्टी की कोशिश सबसे ज्यादा क्या रहती है कि जो मंत्रालय जो क्षेत्र जो हमने लिया है जो एरिया हमारे कब्जे में आया बनाओ पैसा खूब लूटो तो ऐसे में जनता का विकास नहीं हो पाता है सोदेबाजी की समस्या भारत में अवसरवादिता यह उभर करके आने लगती है जो भारत के लोकतांत्रिक पतन को इंगित करती है क्योंकि लोकतंत्र में हो जाना मतलब लोकतंत्र का एक तरीके से ह्रास या पतन उसको हम बोल सकते हैं क्योंकि वह गुणात्मक लोकतंत्र नहीं होता उसमें लोगों के लिए काम नहीं होता उसमें अपने संकीर्ण हितों के लिए कार्य किया जाता है और ऐसा है समझिए आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं बड़े ध्यान से समझिएगा अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में समझना आप लोग एग्जाम लिखते टाइम एग्जाम में लिखते टाइम नाम नहीं लेना है आप बस अमुक पार्टी या ए नंबर पार्टी या दूसरी पार्टी इस तरीके से प्रयोग वर्डों का करना है लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरे को आपको समझाना है मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि आपको चीजें समझ में आए तो इसलिए मैं नाम यूज कर सकता हूं उसमें मैं फ्री हूं ठीक है पार्टी का नाम लेने में नेता का नाम लेने में ताकि आपको समझाया जा सके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सौदेबाजी किस तरीके से होती है और किस तरीके से भारत में लोकतंत्र के साथ धोखा होता है इसको समझिएगा महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होते हैं अभी वर्तमान में ठीक है अब विधानसभा के चुनाव में क्या किया जाता है गठबंधन होता है गठबंधन करके चुनाव लड़े जाते हैं अब ये गठबंधन कैसे होता है चुनाव पूर्व गठबंधन होता है ठीक है चुनाव पूर्व चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ कौन कौन से गठबंधन के घटक दल थे समझिए ठीक है थीके? पहला जो ए नंबर का दल था उसमें थी बीजेपी प्लस में शिवसेना ठीक है शिवसेना दूसरा जो गठबंधन था बी नंबर का दूसरे वाला उसमें कौन सी थी कांग्रेस प्लस में एनसीपी शरद पवार की पार्टी अवसरवादिता को मैं आपको बता रहा हूं सोदेबाजी जो है उसकी बात बता रहा हूं और जो लोकतांत्रिक पतन है और लोगों के साथ जो धोखा है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इलेक्शन से पहले दोनों गठबंधन इलेक्शन लड़ते हैं चुनाव होता है और चुनाव के अंदर एक दल जो है वो विजयी हो जाता है कौन से वाला इसको बहुमत मिल जाता है इस दोनों अकेले दम पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता गठबंधन को बहुमत मिल जाता है इन दोनों पार्टियों को मिलाकर के आंकड़ा पार कर जाते हैं विधानसभा में सरकार बनाने का अब क्योंकि गठबंधन की दल थी गठबंधन घटक थे ऐसे में सबसे ज्यादा सीटें मिली बीजेपी को लेकिन शिवसेना भी गठबंधन का सदस्य था कम सीटें मिली लेकिन उसको पता था कि मेरे बिना सरकार नहीं बन पाएगी तो सौदेबाजी प्रारंभ होती है और सौदेबाजी के लिए क्या डिमांड रखी गई कि मुख्यमंत्री की पोस्ट हमारी बने रहेंगे साथ में बड़ा घटक दल वो अपनी जीत पर वो बोला कि सबसे ज्यादा सीट मेरे को मिली मुख्यमंत्री मैं रखूंगा देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे शिवसेना बोली ना उद्धव ठाकरे को बनाएंगे हमारा होगा मुख्यमंत्री सौदेबाजी हुई बड़ी खतरनाक सौदेबाजी हुई वो सोदेबाजी कामयाब नहीं हो पाई तो कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद क्या होता है एक बड़ी विचित्र प्रणाली आप देखेंगे कि क्या हुआ भारत के के अंदर इन दोनों ने जो अपने एक दूसरे विपक्ष में इलेक्शन लड़ा था अब बीजेपी इसके साथ जुड़ जाती है ठीक है वो पार्टी इसके साथ गठबंधन करती है एनसीपी के साथ एनसीपी उसको समर्थन देने का दावा करती है और बीजेपी के लीडर को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है देवेंद्र फडणवीस को लेकिन उसके बाद एक बार फिर से घटनाक्रम बदलता है घटनाक्रम यह बदलता है कि इनको लगता है कि भाई हमें ज्यादा मौका मिल सकता था ज्यादा पावर मिल सकती थी इनके साथ जाने से हमें पावर नहीं मिलेगी तो फिर एक नया समीकरण बनता है शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ठीक है थीके? ये तीनों क्या है एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मिल करके सरकार बना लेते हैं आपस में पदों का बंटवारा कर लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारा ये वाली मिनिस्ट्री तुम्हारी ये वाली मिनिस्ट्री तुम्हारी सोदेबाजी हो गई लेकिन अब इससे लोकतंत्र के साथ छलावा कैसे हो गया इस चीज को समझिएगा लोगों ने जो वोट दिए लोगों ने वोट किसको दिए थे लोगों ने एक गठबंधन को वोट दिए थे लोग चाहते थे कि ये लोग सत्ता संभाले तो इसलिए लोगों ने इनको ज्यादा वोट दिया अब हुआ क्या कि यही लोग अपने विरोधियों के साथ ही मिलकर के सरकार बन रहे सत्ता के लालच में तो अगर ऐसा ही करना था तो भाई इलेक्शन क्यों लड़ा मुद्दा यह क्यों लड़े जनता को क्यों बेवकूफ बनाया जब अपने विरोधियों के साथ तुम्हें सरकार बनानी है तो पहले ही बातचीत करके सरकार बना लेते पहले ही इलेक्शन में क्यों इतना खर्चा करवाया हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक इलेक्शन में तो जनता तो बेवकूफ बन गई ना क्योंकि जनता ने जिसको प्रमुख रूप से चाहा था वो तो सत्ता में आया नहीं और ये दोनों ही पार्टियों ने किया पहले बीजेपी ने किया बाद में शिवसेना ने कर लिया दोनों ने किया तो इससे क्या है कि भारत की राजनीति में एक नैतिक पतन देखने को मिलता है ठीक है नैतिक पतन ये आपको यहां पर मिलता है और लोगों की जो वास्तविक आकांक्षाएं हैं लोगों के साथ जो धोखा होता है वो धोखा यहां पर देखने को मिलता है और ऐसा जब गठबंधन होगा जिसमें सारी सीटों को आपस में बांटते हैं तो वो फिर वो डेवलपमेंट के लेकर के इतने ज्यादा बहुत तेज गति से विकास कार्य नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर इस तरीके के गठबंधन एक समय के बाद टूट जाते हैं वो बने नहीं रहते क्योंकि इनमें फिर से डिमांड होगी फिर से सौदेबाजी करेंगे हो सकता है कि कल को इन्हीं में से कोई एक पार्टी सिर्फ सौदेबाजी करने लग जाए इनके साथ कि भैया या मैं समर्थन वापस ले लूंगी अगर तुमने मेरे को मेरे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तीन साल के लिए तो सौदेबाजी होगी किंग मेकर की भूमिका में आ गए ना अब ये छोटी पार्टियां एनसीपी जैसे यहां पर होगी किंग मेकर की भूमिका में आ गई इसके समर्थन के बिना सरकार बन ही नहीं सकती क्या कर लोगे बताओ जाऊ तो सौदेबाजी ये होती है ये भारत की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है भारत के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है और ये ऐसा यहां पर नहीं ये मैंने केवल महाराष्ट्र का आपको केवल एग्जाम्पल दिया है मेरे दोस्त ऐसा बहुत जगह होता है बहुत सारे स्टेट्स में होता है भारत में असंख्य उदाहरण ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की चीजें होती रहती है इसमें हरियाणा मणिपुर गोवा कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि यहां से सवाल भी आने की संभावना है कि उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र में इलेक्शन के माध्यम से नहीं आए नामांकित होकर के नियुक्त होकर के वो मुख्यमंत्री बने विधान परिषद के माध्यम से राज्यपाल ने उनको विधान परिषद में नामांकित किया और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर वो आए तो कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़ गए थे यहां से कई सारे सवाल बनने की संभावना थी इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया क्योंकि इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो इसमें बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व थी जो देश की बड़ी बड़ी जानी मानी पार्टियां वो यहां पर इसमें शामिल थी तो ये एक नुकसान है ये एक समस्या भारत में रहती है यहां से भी क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा दुर्गुणों से आपसे पूछ लिया जाएगा कि गठबंधन या कालीन दौर में राजनीतिक पतन एवं लोगों की आकांक्षाओं के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिलता है हाल फिलहाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कथन का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें या टिप्पणी करें या व्याख्या करें इस तरीके से सवाल दे दिया जाएगा तो आपको उदाहरण देने हैं और आप जब उदाहरण दोगे तो उदाहरण देते समय आपको पार्टी का नाम मत लिखना आप बचना उनके लिखने से आप वहां पर सीधा सीधा पार्टी ए पार्टी बी इस तरीके से बनाते हुए लिख करके आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपका आंसर वहां पर कंसिडर किया जाएगा ज्यादा बेहतर माना जाएगा मैंने डायरेक्ट नाम इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए आपको समझाने के लिए तो टीचर इससे थोड़ा सा फ्री है आपको समझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तब आप बताना कि एक राष्ट्र के अंदर एक राज्य के अंदर किस किस तरीके से घटनाक्रम हुई कैसे दो पार्टियों ने दो दो पार्टियों के गठबंधन हुए फिर आपस में ही वो मिल गए इस तरीके से वर्डो के साथ खेलते हुए आपको आंसर यहां पर लिखना है ठीक है चलिए आगे लिखते आगे चलते हैं क्षेत्रीय दलों के नेता राष्ट्रीय नीतिगत मामलों में क्षेत्रीय कारकों को ले आते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं वे केंद्रीय कार्यपालिका पर अपनी धारा के अनुसार चलने को बाध्य करते हैं यह भी एक कारण है यह कारण क्या है इसको समझिए इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है गठबंधन की राजनीति में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो राज्य के मामले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब जब गठबंधन की राजनीति होगी तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल अगर इसकी कोई पार्टी है मान लेते तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी है अगर वो किसी गठबंधन की सदस्य हैं, तो उनका प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा कि अपने पश्चिम बंगाल के जो मुद्दा है जो अवैध घुसपैठी है जो बांग्लादेश से बंगाल में आए उनको बाहर निकालने के लिए जो है वो कोशिश करें उस क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के बहुत संवेदनशील रहेगी उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाएगा जैसे तमिलनाडु की सरकार है तमिलनाडु डीएमके एआईडीएमके ए आई पार्टियां वहां पर बारी बारी से सत्ता को उपभोग करती सत्ता उनके बीच में बदलती रहती है जब जब केंद्र की में कोई ऐसी पार्टी की सरकार बनती है जिसका समर्थन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने किया है तमिलनाडु के किसी प्रमुख पार्टी ने किया है तो तमिलों का मुद्दा जो श्रीलंका से भारत में आने वाले जो तमिल है और श्रीलंका के अंदर जो तमिलों के ऊपर अत्याचार होते हैं वो मुद्दा भारत का प्रमुख मुद्दा बन जाता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजीव गांधी के काल में था जब हमने वहां पर सेना भेजी थी श्रीलंका में ठीक है तमिल फैक्टर आता है बड़ा प्रेशर आता है राज्य की सरकार केंद्रीय स्तर पर एक भूमिका की प्लेयर बनकर के नि, निकलती है उसकी भूमिका बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश की कोई प्रमुख पार्टी है और उसको उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी सीटें मिली है अगर वो गठबंधन की सदस्य बनेगी तो मधेसी समस्या को लेकर के प्रेशर बनाएगी सरकार के ऊपर कि मधेसियों के ऊपर बांग्लादेश नेपाल के अंदर जो अत्याचार होते हैं या उनके हकों को छीना जा रहे हैं उसको वापस दिलाओ इनको सबक सिखाओ क्योंकि उनके साथ उनके रोटी बेटी के संबंध है जुड़ाव है वहां से वोटिंग भी प्रभावित होती है तो ये सारे मामले हैं जब जब गठबंधन की सरकार होगी तो राष्ट्रीय मामलों में क्षेत्रीय कारक प्रमुखता से आ जाएंगे भारत की विदेश नीति का निर्धारण करने में भी क्षेत्रीय कारक बड़ी भूमिका निभाएंगे तमिलनाडु का उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम इस तरीके के चीजों को लेकर के चलते हैं रीजनल फैक्टर्स वो भूमिका निभाते हैं अब उसके कारण क्या होता है कि केंद्र की सरकार को कई बार पूरे देश के हित के लिए जो चीज जरूरी थी जिसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी केंद्र सरकार वैसा कटतम वैसा कठोर कदम उठा नहीं पाती है और उसके बजाय उसको उस क्षेत्रीय कारक को प्रमुखता देनी पड़ती है और उसके कारण कई बार दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है और ये इसलिए सिर्फ इसलिए ताकि सरकार बची रहे क्योंकि अगर इनको नाराज कर दिया तो ये समर्थन वापस ले लेंगे समर्थन वापस ले लेंगे सरकार गिर जाएगी तो सरकार में नहीं रहोगे तो क्या करोगे इलेक्शन क्यों लड़ा था लड़के इसीलिए तो आया था ना कि सरकार बनाए थोड़ा सा अपना भी विकास करें लोगों का भी विकास हो इस तरीके से तो ये सारी की सारी चीजें हमेशा सा यहां पर रहेगी ठीक है इसके साथ साथ और दुर्गुण की अगर हम बात करें तो गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा हो जाता है क्यों इसका रीजन क्या है जरा कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्त सब लोग बताएंगे क्या मेरे को कि गठबंधन में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत ज्यादा क्यों हो जाता है इसका रीजन क्या है जब बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर के सरकार बनाती हैं, तो जितने भी छोटी मोटी पार्टियां हैं उन सबकी भी डिमांड यही रहती है क्या डिमांड रहती है कि भाई हमें भी पोस्ट मिले मलाईदार पद मिले मंत्री बने हमारी पार्टी के भी तो इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं कि पूछो मत ऐसा इसलिए कि मंत्रिपरिषद में प्रत्येक गठबंधन सहयोगी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है किसी एक गठबंधन दल के पास 20 सीट है तो वो डिमांड करेगा कि दो मिनिस्टर मेरे होने चाहिए किसी के पास 30 सीट है तो कहेगा कि पांच मिनिस्टर मेरे होने चाहिए किसी के पास 60 सीट है तो कहेगा पंद्रह मिनिस्टर मेरे होने चाहिए अगर नहीं मांगोगे डिमांड नहीं मांगोगे मानोगे सरकार गिर जाएगी तो मंत्री परिषद का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा आकार की उसको संभालना मुश्किल हो जाता है और बंटाधार एक तरीके से होता हुआ चला जाता है इसका एग्जाम्पल उन्नीस की जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो है। उसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निन्यानवे थी हाइएस्ट निन्यानवे लोग मिनिस्ट्री में मंत्रिपरिषद में जम्बो मिनिस्ट्री कहा जाता था विशाल का हाथी की तरह निन्यानवे मंत्री भाई साहब निन्यानवे मंत्री कैसे संभालोगे कैसे कोऑर्डिनेशन करोगे समस्या हो जाती थी हॉर्स ट्रेडिंग हर पार्टी अपने अपने लिए कोई ना कोई पद सृजित कराने के लिए लगी रहती तो देश का विकास इससे प्रभावित होता था क्योंकि जो जो जितने मंत्री बनते वो सभी उस पोस्ट को अपने विकास के लिए अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे इसीलिए फाइनली हार करके 2003 में सरकार को एक संविधान संशोधन करना पड़ा जिसको हम नाइनटी संविधान संशोधन कहते हैं इक्यानवे संविधान संशोधन हम उसको बोलते हैं और इस इक्यानवे संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 के अंदर क्या प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या सदन के कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी यह 15 प्रतिशत वाला जो प्रावधान है यह पहले नहीं था लेकिन जब ऐसी प्रवृत्ति आई अटल बिहारी वाजपेयी की मिनिस्टर मंत्रिपरिषद में इतने ज्यादा लोग आ गए तो सरकार को समझ में आया कि भाई यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है ऐसा होगा तो एकदम बंदर बाट होती रहेगी तो उसको लिमिटेशन करना जरूरी है तो यह प्रावधान कर दिया गया 2003 में इक्यानवे संविधान संशोधन के माध्यम से कि केवल 15 ही किसी सदन, किसी सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका केवल पंद्रह मंत्रिपरिषद में हो सकता है अधिकतम अधिकतम की बात कर दी मैक्सिमम की बात कर दी तो अब लिमिटेशन हो गई कि कितना भी बड़ा गठबंधन गठबंधन हो 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 या हो या ना हो, आप परसेंट से ज्यादा मंत्री नहीं रख सकते हैं तो मिनिस्टर्स का अगर आप देखोगे तो पिछहत्तर अस्सी के आसपास का आंकड़ा आता है लेकिन उससे कम ही मंत्री रहते हैं ज्यादा मंत्री नहीं बनते हैं अभी कोशिश यही की रहती है लोगों की साठ से कम पचास साठ के बीच में ही निपटा लिया जाए मामला क्योंकि जितने ज्यादा मंत्री बनाओगे जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा वहां पर घपला घोटाला होने की संभावना रहेगी और गठबंधन के दौर में यह एक समस्या थी इस समस्या को इसके माध्यम से दूर कर लिया गया केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही सेम प्रावधान है केवल दो अपवाद हैं इसमें अपवाद कौन कौन से ये भी समझ लीजिए दो अपवाद भी रखे गए हैं कौन कौन से दो अपवाद एक दिल्ली के लिए अपवाद है और एक जम्मू कश्मीर के लिए अपवाद है इन दोनों के लिए अपवाद है जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहां पर प्रावधान क्या है कि इनकी जो विधानसभा है, इनकी केंद्र प्रदेश है इनकी विधान के दस प्रतिशत से अधिक मंत्री यहां पर नहीं रख सकते बाकी पूरे देश के अंदर बाकी जगह पर देखोगे तो पंद्रह परसेंट का ही प्रावधान जो है कैटेगरी जो है वो चलता है इसको याद कर लेना इसको देखते हुए समझते हुए चलते रहना है ठीक है तो ये देखा विभागों के बंटवारे समन्वय इसमें बड़ी समस्या होती है एक सबसे बड़ा जो दुर्गुण है गठबंधन की सरकार का वो क्या है समझिए कि गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं की या कमियों की जिम्मेदारी नहीं लेते एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और अपने सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तित्व उत्तरदायित्व से मुंह चुराते हैं जैसे पिक्चर देख रहे हो इस फोटो में आपको दिख रहे हैं दो लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे तेरे कारण हुआ दूसरा कह रहे आवाज नीचे तेरे कारण गड़बड़ हुई है ना कोई भी परेशानी हो कोई भी परे दिक्कत हो प्रशासनिक विफल स्वाभाविक सी बात है गठबंधन की जब जब सरकारें आई हैं तो योजनाएं सफल इतनी हो नहीं पाती है विफलताएं बहुत रहती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ जाती है ठीक है जब ऐसी समस्या होती है तो अब उसका वो कोई नहीं लेना चाहता उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता कोई नहीं चाहता कि भाई हमें ये जिम्मेदारी लेने को ले इस विफलता की क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है लेकिन विफलता की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता अब क्योंकि गठबंधन दल है बहुत सारे घटक दल हैं तो सबको मौका मिल जाता है कि भाई तेरे कारण नहीं हुआ ये काम तू ने अड़ा दिया दूसरा कहेगा मेरे कारण क्या नहीं हुआ तेरे कारण नहीं हुआ तू जिद पर अड़ा था इसलिए नहीं हुआ तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हो पाती है लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार नहीं हो पाती है आपस में ही भिड़ते रहेंगे आप देखना यही होता है गठबंधन में ज्यादातर आप देखेंगे तो संसद के बाहर आकर के आप देखेंगे एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं बोलने में ही किसने ऐसे क्या हम तो काम करना चाहते थे लेकिन हमारी गठबंधन वाली नहीं करने देती गठबंधन वाले कहेंगे हम तो करना चाह रहे हैं वो मुख्य पार्टी वो नहीं करने देती तो ऐसे में योजनाएं बेहतर ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाते तो ये कुछ समस्याएं हैं जो गठबंधन की राजनीति में सभी को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है थीके? दिक्कत हो जाती है सब लोग एक दूसरे के सामने सन्नी बन करके चिल्लाते हैं है? का है? ये मजदूर का हाथ है लोहा पिंगला कर पता नहीं क्या बना देता है हथियार बना देता है लड़ते रहेंगे बिगड़ते रहेंगे और देश जाता रहेगा गर्त के अंदर लेकिन जब अगर एक ही दल की पार्टी है बहुमत वाली पार्टी है पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार में होता क्या है कि अगर सफलता मिली तो उसका क्रेडिट भी उसका अगर असफलता मिली कोई गलत काम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोष किस पर देंगे कोई दोष देने के लिए है नहीं ना तो यह चीज यहां पर देखने को मिलती है गठबंधन की सरकार में तो यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं गठबंधन के सवा, इस वाले से ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखिए जो चैप्टर चैप्टर नंबर 66 के बाद से जितने भी है ना छियासठ के बाद से 80 तक वो सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्योंकि यहां से जीएस में भी सवाल आते हैं निबंध में सवाल आते ही आते हैं यहीं से ही आते हैं इन सब चीजों को जोड़ करके लिखना पड़ेगा आपको निबंध में कोई ना कोई सवाल हर साल आएगा एथिक्स में केस स्टडी दे, दे दी जाती है बाकायदा इन्हीं चीजों को जोड़ करके तो ये बहुत मजबूत एरिया है लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हम इनको ध्यान ही नहीं देते हम इन पर पढ़ते ही नहीं है और बहुत सारी क्लासेस भी देखोगे तो आपको ये वाले चैप्टर्स पढ़ाए नहीं जाते छोटा मोटा निपटा करके खत्म कर दिया जाता है कि बस ठीक है ठीक है रहने दो सब सोचते हैं कि प्री में नहीं केवल वही पढ़ाते हैं जो प्री प्री में काम आए मेन्स नहीं पढ़ोगे तो प्री भी नहीं निकलेगा ये चीज ध्यान रखना क्योंकि प्री जो निकलता है ना वो आपकी अवधारणात्मक समझ के आधार पर निकलता है और आपकी अवधारणात्मक समझ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो तभी बनेगी जब आप मेन्स की स्टडी करोगे डिटेल में पढ़ोगे प्री अपने आप निकल जाएगा मेन्स के लिए पढ़ोगे तो तो डिटेल में पढ़ना जरूरी है उसको सीखते हुए चलते रहना चाहिए ठीक है तो ये है और आप लोग जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जोश दिखाइए जरा कैसे हाउस द जोश हाई है कि नहीं हाउस द जोश अगला चैप्टर करा दें कि नहीं कराएं जरा जल्दी से बताइए अगला चैप्टर है भाई दल परिवर्तन कानून एंटी डिफेक्शन लो तो जरा जोश दिखाइए पहले एक बार हाउस द जोश में लाइक शेयर करते हुए आज ये क्लास को लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए शेयर हमेशा करो धमाके से करो हर जगह करा करो शेयर मत रोका करो और अकेडमी का कोर्स लेते टाइम इस रेफरल कोड को भी थोड़ा प्यार दिखा दो यारो है ना इतना भी बुरा नहीं है एलवाई लाइव इसको भी यूज किया करो डिस्काउंट लेने के लिए पर्सनल गाइडेंस के लिए और हम तो पर्सनली गाइड करते हैं डायरेक्ट मैं ही बात करता हूं अपने सारे स्टूडेंट से आप कभी भी कॉल करेंगे देख लेना चाहिए रिसीव नहीं होता तो भी वापस कॉल बैक भी मैं ही करता हूं तो टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी है ठीक है तो एलवाई लाइव कोड आपकी सफलता का कोड है इसको लगाइए जब भी अन का कोर्स ज्वाइन करें तो रेफरल कोड के अंदर आपको लगाना है क्या एल वाई एल आई वी एस को अप्लाई करना है फीस में डिस्काउंट और हमारी पर्सनल गाइडेंस दोनों ही आपको मिलेगी रेगुलर मिलेगी रेगुलर वन वन ऑन गाइड करेंगे एग्जाम पास होने तक आपको बने रहेंगे डायरेक्ट आपके लिए जल्दी ही मीटअप रखने वाले हैं दिल्ली में एक जगह मैं आपको बताऊंगा वहां पर जाकर के मीटअप रखेंगे ऑफिस तो है नहीं अभी फिलहाल इतना कि उस लायक उस लेवल पर नहीं है कि अपना ऑफिस खोल लें इतना बजट लेकिन आपके लिए समय समय पर कोई एक जगह पर मीटअप रख दिया करेंगे जहां पर आप सभी लोग आ सकेंगे एक समय पर कुछ समय के लिए आप सभी मेरे से मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल मिल सकते हैं और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए कोई एक ऑफिस ओपन कर दिया जाए ताकि आप रेगुलर भी अगर मिलना चाहें तो डेली मेरे से मिल सके एक टाइम में वहां पर निर्धारित करके रखूंगा ठीक है लेकिन उसके लिए आप ये कोड जरूर अप्लाई करते चले जाइए मेरे जितने भी दोस्त हैं जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो एल वाई लाइव कोड अप्लाई कीजिएगा आपको मेहनत करा देंगे आगे ले जा देने के लिए क्योंकि हम मेहनत करते हैं ईमानदारी से पढ़ाते हैं दिल जान लगा देते हैं पढ़ाते हैं, समय सब कुछ न्यछावर कर देते हैं तो आपको भी मेहनत करा देंगे और एग्जाम आपका मेहनत से ही निकलेगा शॉर्टकट नहीं है हमारे पास कोई भी ना ही हम उसमें बिलीव रखते हैं उससे कोई फायदा होगा नहीं साल बर्बाद होगी समय बर्बाद होता है कि इतना करके इतने हो जाएगा नहीं होता है मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत का कोई सब्सिट्यूशन नहीं है स्थानापन है ही नहीं उसका कोई भी उसका विकल्प नहीं है मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है आपको मेहनत में करवा दूंगा इस चीज की श्योरिटी ले सकते हैं कि ईमानदारी से मेहनत अगर करना चाहते हैं तो वो मैं करवा दूंगा एग्जाम तक क्रैक करने तक जान लड़ा देंगे आपके साथ तो वो उसके लिए आपको ये कोड जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी कोर्स ज्वाइन करें अन एकेडमी पर तो ये कोड लगा करके करें और मेरे को बता दें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं फिर वीडियो कॉल पर रेगुलर वीडियो कॉल और फोन कॉल पर हम आपस में टच में रहेंगे आपको समय समय पर जो भी आवश्यकता होगी जरूरत होगी आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर पाएंगे मिल पाएंगे बातचीत कर पाएंगे गाइडेंस आपको मिलती रहेगी ठीक है तो इस एलवाई लाइव कोड को अप्लाई कीजिएगा आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं चलिए आईआर की क्लासेस जो है वो जल्दी ही मैं वो करा दूंगा ठीक है जल्दी ही करा दूंगा आप चिंता मत करो दोबारा से कराऊंगा सारी की सारी स्टार्टिंग से कराऊंगा पहली क्लास से एक बार दोबारा से सारी और ये थोड़ा सो दो क्योंकि इस महीने में आपको लक्ष्मीकांत कंप्लीट करा, करा दी जाए। क्योंकि इतना डिटेल में कोई भी अब तो हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास आ गए पिछहत्तर चैप्टर कर चुके हैं पांच ही चैप्टर बाकी है इस महीने में कोशिश करेंगे कि पूरे पांचों चैप्टर में करवा दूंगा आपको और ट्वेल्थ की एनसीआर जो चल रही है रात में नौ बजे वो भी हम करवा दें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अगले महीने से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध शुरू कर लें क्लास की NCRT का जो पार्ट है वो शुरू कर लें और ट्वेल्थ क्लास की जो सेकंड एनसीआर है उसको भी शुरू कर लें तो वो चीजें हैं एक बजे डेली क्लास होती है वो क्लास जरूर आप ज्वाइन किया ज्वाइन नहीं करते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि हिंदी मीडियम के साथ साथ बाइलिंग क्लासेस भी बहुत जरूरी है वो करोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा डेली होती है वन पी पर क्लास है मैं आपको लिख करके बता देता हूं मेरी क्लासेस का टाइमिंग जो अगर हम कक्षा समय की बात करें अगर क्लास की बात करें क्लास टाइम की बात करें तो पहली क्लास जो है वो होती है एक पीएम पर वन पीएम और ये बाइलिंगल होती है बाइलिंगल होती है सेकंड क्लास जो है वो डेली 9 पीएम पर होती है रात में नौ बजे और ये हिंदी माध्यम की होती है हिंदी माध्यम ठीक है हिंदी मीडियम की क्लास होती है यहां पर मैं अभी फंडामेंटल राइट्स करा रहा हूं बाइलिंगवल वाले में एम लक्ष्मीकांत का सातवां चैप्टर छह चैप्टर में करवा चुका हूं बहुत डिटेल से बहुत विस्तार से और बिल्कुल अपडेट करा करके आज तक की घटनाओं के साथ अपडेट कराया है ऑप्शनल के अगर बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो तो अगर उनको अपना एरिया करना है ऑप्शनल का तो आपके लिए जरूरी है एक बजे वाली क्लास लेनी ही लेनी क्योंकि यहां से बहुत सारा एरिया आपका ऑप्शनल का भी कवर हो जाएगा ठीक है तो वन पीएम वाली बाइलिंग क्लास में जरूर आया करो उसमें थोड़ा इंग्लिश का यूज ज्यादा रहता है लेकिन वो आपकी समझ के लिए बहुत अच्छा है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है कई सारे कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चलेगा ठीक है समझाने का तरीका मेरा हिंदी का ही रहता है लेकिन हम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में रखते हैं बस ये उसका फर्क है वो जरूर करें ज्वाइन वो बहुत बेनिफिशियल है और कैसे ज्वाइन करोगे एक बजे इस चैनल पर नहीं होती वो बाइलिंग वाले चैनल पर होती है तो उसका लिंक जो है ना वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्लास जब भी मैं लेता हूं क्लास शुरू होने से दस मिनट पहले या पांच मिनट पहले मैं लिंक जरूर शेयर करता हूं टेलीग्राम पर और जैसे टेलीग्राम पर लिंक आए तो समझ लेना कि क्लास शुरू होने वाली है पांच मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी हंड्रेड परसेंट शुरू हो जाएगी मिनट में तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेमी ललित यादव की पाठशाला नाम याद रखिए टेलीग्राम चैनल का अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ठीक है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला फिर से बोल देता हूं अन अकेडमी का ही चैनल है अन अकेडमी का ऑफिशियल चैनल है जो मैं यूज करता हूं उसका नाम है अन एकेडमी ललित यादव की पाठशाला ठीक है तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना तो वहां से आपको मेरी पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाएंगी और आप मेरे से बात भी कर पाएंगे डायरेक्ट पर्सनल डिटेल निकाल करके पीडीएफ भी मिल जाएगा सारी पीडीएफ वहां पर मैं अपडेट करता रहता हूँ समय समय पर और साथ ही वहां पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा क्लास का नोटिफिकेशन वो बहुत जरूरी है ठीक कोई बात नहीं तैयारी लगातार करते रहो एफर्ट करो मेहनत करते रहो आपको मेरी डिटेल्स कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी यहां पर ठीक है आप जब व्हाट्सएप टेलीग्राम करते हैं तो हमारे मैनेजर हैं प्रभात वो आपकी हेल्प करते हैं बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए आपको बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर आप कॉल करते हैं तो डायरेक्ट मैं ही रिसीव करता हूं उसमें आपकी गा, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपको मैं करता हूं कई बार समय नहीं मिल पाता है नहीं रिसीव कर पाते तो मैं कॉल बैक कर लेता हूं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है थोड़ा समय लग जाता है कई बार चौबीस घंटे छत्तीस घंटे का लेकिन कॉल बैक जरूर आएगा आएगा जरूर ठीक है आखिर गाना सुने ना आखिर तुझे आना है ज़रा देर लगेगी बारिश का बहाना है ज़रा देर लगेगी तो वापस कॉल बैक आएगी आएगी हो सकता है थोड़ी देर देर लगे लेकिन आएगी जरूर ठीक है ज्यादा लंबी है तो फायदा भी है ना आपको क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ऐसे एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं और प्रीलिम्स तभी निकलेगा जब इन क्लासेस को आप देखोगे ठीक है पंद्रह परसेंट में एक ही सदन कुल मंत्रिपरिषद में जो सदस्य हैं वो गिने जाते हैं मैंने देख लिया हेयर स्टाइल के बारे में देख लिया पढ़ लिया तुम्हारा मैसेज मैं क्या बोलूं बताऊं अब मैं शर्मा जाता हूं ऐसी बात सुन करके अब कोई बोलेगा कि सर आप हैंडसम लग रहे हो तो शर्मा आते ना अंदर से अच्छा भी लगता है लेकिन ऐसा नहीं है तो मैं क्या बोलूँ तो देख तो लिया मैंने तो मैं थैंक यू बोल सकता हूं थैंक यू दोस्त धन्यवाद थैंक यू थैंक यू बहुत बढ़िया मेरी क्लास से अगर आपको पॉलिटी समझ में आती है तो यही मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए बस चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं सोशियोलॉजी की क्लासेस भी होती है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्शनल का कोर्स वहां पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से मैसेज कर दो मैं रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि कई बार मैसेज ऊपर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं तो मैसेज नहीं दिखते तो दोबारा से मैसेज कर दो मैं देख लूंगा नेक्स्ट चैप्टर भी करा देंगे जल्दी करा देंगे अभी क्या टाइम हो गया बारह बजने वाले हैं ना अभी तो अभी थोड़ा रहने देते हैं कल भी हमने रात में एक डेढ़ बजे क्लास ली थी साढ़े तीन पौने चार बजे तक क्लास चली थी वो सुबह तक रात से के रात के एक सवा एक बजे से सुबह के साढ़े तीन चार बजे तक क्लास चली थी लेकिन फिर उसमें आप लोग सो जाते हो आते ही नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता पहले वाला अच्छा था हेयर स्टाइल कोई बात नहीं दोनों ही ठीक है थैंक यू थैंक यू जिसको भी हमारी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है पोलिटी अच्छी लगती है थैंक यू क्वेश्चन दोबारा से पूछ लो दोस्त तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे दोबारा से पूछ लो क्या है मेरे को नहीं दो ऊपर हाँ यहां से कॉम्बेट में सवाल आएंगे अगर हमारी क्लास करते हो तो अन अकेडमी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना 11 बजे हर संडे को अनकेडमी कॉम्बेट उसमें सीधे सवाल आते हैं भाई लेकिन क्लास करोगे तभी तो कर पाओगे क्लास नहीं करोगे तो कैसे करोगे तो यूट्यूब पर क्लासेस जरूर करें कर लीजिएगा कल कर लीजिएगा कल कांटेक्ट कर लीजिएगा अभी तो रात में रहने दीजिए शुरू से स्टार्ट हो चुकी है भाई 1 पीएम पर जो है एक बजे जो है वो स्टार्टिंग से ही मैंने दोबारा से शुरू कर रखी है छह चैप्टर मैंने करवाए अभी वहां पर और उससे आगे अब कंटिन्यू होती रहेगी सातवा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल राइट का तो ज्यादा देर नहीं हुई उसको कवर कर लोगे आप कैचअप कर लोगे अगर ये वाली क्लासेस करते हैं तो इस क्लास का प्लेलिस्ट चाहिए लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां पर रेगुलर मैं अपडेट करता हूं नहीं तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमारे मैनेजर आपको भेज देंगे हाँ आरओ के लिए बिल्कुल यूजफुल है बिल्कुल यूजफुल हैं आरओ के रिटर्न वाले एग्जाम के लिए भी यूजफुल हैं ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा रिटर्न में भी अगर आपको लिखना है ना तो उसके लिए भी यूजफुल है ये जो बुक है ये भारत के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है इसीलिए पूरे इंडिया में अगर यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कोई बच्चा करता है और उसको अगर उसके लिए अगर कोई सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए तो वो एम लक्ष्मीकांत ही है यही एकमात्र ऐसी किताब है जो हर एग्जाम में आपको पूर्ण तैयारी करवा करके देती है बशर्ते इसका एनालिसिस अच्छे से किया गया हो इसका आपको समझाना विश्लेषण बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिया गया हो डिटेल से समझाया गया हो तो हर एग्जाम में काम आएगा एक बजे वाली क्लास में सब लोग आया करें दिन में दोपहर में दिन में एक बजे क्लास होती है थैंक यू थैंक यू आप सभी को जिनको भी हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं। <laughs> चार लाइक करते हैं आप शेयर करा करो देखो मेरे जितने दोस्त है ना अगर आप चाहते हैं सच में चाहते हैं हमारे से जुड़े हुए हैं सच में हमारे से हमारे से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी फायदा होता है तो शेयर करा करें मेरी मेरी क्लास को जरूर शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितने भी आपके दोस्त हैं ना हर किसी के पास शेयर जरूर करें शेयर करना जरूरी है ना शेयरिंग इज स्केयरिंग कहा जाता है तो जितने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उन लोगों को भी नॉलेज मिलेगी हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा हम भी आपको और डिटेल से अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है चलिए तो थैंक यू आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको अच्छे से पढ़िए ईमानदारी से आगे बढ़िए लाइफ में मेहनत करते चले जाइए मेरी मदद चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा गाइडेंस मैं आपको रेगुलर देता रहता हूं हर किसी से मैं बात करता हूं आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप पर्सनली प्रॉपर रेगुलर जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट हमेशा जुड़ते जुड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी हर स्टेप पर मैं आपकी मदद करूं फुल गाइड करूं तो आप ये कोड याद रखिए का कोर्स ज्वाइन करते टाइम ये कोड लगाना है आपको किस रेफरल कोड को प्यार दीजिए ठीक है इसका भी प्रयोग कीजिए एल वाई एल आई वी ई -E, क्योंकि हमारा और आपका कनेक्शन इसी रेफरल कोड के साथ ही रहता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है बहुत बड़ी भूमिका है तो इसको भी प्यार दीजिए इसको भी स्नेह बनाए रखिए यूज कर अनअकेडमी का कोर्स क्योंकि आप लोगों को कभी ना कभी लेते ही हैं लेना ही है तो जब भी लें तो इस कोड को जरूर लगाएं आपके पास फोन आए कहीं से भी तो उनको फोन आए तो उनको बता देना है कि हाँ अभी लेंगे तो इसी कोड से लेंगे लोन के लिए किसी भी तरीके के लिए यही कोड लगाना है बस आप उसको बता देना और फिर उसके बाद मेरे से संपर्क कर लेना एक बार मेरे से बात जरूर कर लेना तो आपकी रेगुलर गाइडेंस मैं स्टार्ट कर दूंगा ठीक है चलिए तो आप सबसे मिलते हैं जल्दी ही अगली ही क्लास में आप लाइक शेयर करते चले जाना कमेंट जरूर करना सुबह दोपहर की एक बजे वाली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम आर्टिकल 16, 17 और 18 इन तीनों आर्टिकल्स को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे केस स्टडीज के साथ तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं बी पॉजिटिव हमेशा आगे बढ़िए मेहनत कीजिए आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत लेट्स इट